यू जी नेट के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका पाँच दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लस में एम और जो स्टूडेंट उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं वो भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी सिद्धांत को लेकर है ना तो मैंने इसमें कम से कम चार पाँच टॉपिक इन्वॉल्व किया है कि एक तरफ अधिनियम को लेकर मैंने बात किया है कुछ सिद्धांतों को लेकर बात किया है फिर मैंने जेनोग्राम के बारे में बात भी किया है इसमें पुस्तक के बारे में बात किया है तो पी जो है इसमें थोड़ी सी लंबी है और इस क्लास समाप्त तो होने के बाद आप लोगों को पी जो है मैं दे दूंगा तो मैं शुरुआत करता हूं क्लास को तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं पूछे जाते हैं बुद्धि पर आधारित सिद्धांत को लेकर कुछ तो एक तरफ आपको बुद्धि पर आधारित तो वो सिद्धांत होंगे दूसरे तरफ उसके प्रवर्तक के नाम होंगे जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अपने कॉपी पर नोट करिएगा बाकी तो बहुत सारे सिद्धांत हैं कुछ सिद्धांत ऐसे भी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें मैंने उन सिद्धांतों को भी ले लिया है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बुद्धि एक खंडीय सिद्धांत होता है एक तत्व का सिद्धांत होता है तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है पहला ही सिद्धांत आपका इंपॉर्टेंट है यहां पर ठीक है ये आपका अल्फ्रेड बीनेट का होगा ये नाम आप लोग ध्यान रखेगा आगे अगर हम बात करते हैं बुद्धि का दिखंड सिद्धांत के बारे में या इसी का एक और नाम है दीतत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे दो शक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है ये स्पीयर मैन का है ये भी आप इसे ध्यान रखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है त्रिखंड इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु आप जाने रखिए कि त्रिखंड या त्रितत्व का जो सिद्धांत है वो स्पीयर मैन का आता है ठीक है तो इसे आप ध्यान में रखिएगा बहुकारक सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो बहुकारक इंपॉर्टेंट नहीं है इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा जो हवाड गार्डनर का है वो सिद्धांत इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुकारक सिद्धांत अलग होता है आपका ठीक है और जो बहुतत्व के रूप में सिद्धांत आता है वो अलग होता है म्यूट हो जाइए शायद कोई व्यक्ति अनम्यूट है ठीक तो बहुकारक सिद्धांत या परमाणुवादी का सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत होता है अगर आप टीचर की तैयारी करते तो मैं आपको बताता कि ये इंपॉर्टेंट था परंतु ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है आगे अगर हम बात करें मात्रा का सिद्धांत ये बुद्धि पर ही बेसिकली यूज किया गया है बुद्धि में भी तो थौाइक का आता है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रतिमान का सिद्धांत के बारे में बात करें तो प्रतिमान या प्रतिदर्श का सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसे छोड़ दीजिए पदानुक्रम का सिद्धांत देखिए थोड़ा सा आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है पदा अनुक्रम का जब सिद्धांत पूछेगा तो बेसिकली ऐसी प्रतिक्रिया पर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन को रिप्रेजेंट करेगा अभिप्रेरणा को रिप्रेजेंट करेगा तो वो अब ब्राहम का नाम आ जाएगा वहाँ पर आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत बनता है लेकिन जब क्रमिक महत्व का सिद्धांत लिख दे केवल पदानुक्रम का सिद्धांत लिखेगा तो उस ऑप्शन में जाहिर सी बात है अब्राहम मैसलों का नाम ही नहीं देगा पहली बात तो ये है और जब पदानुक्रम का सिद्धांत होगा तो वो बुद्धि को रिलेट करेगा आपका सिरिल बर्ट व बर्नर का नाम होगा ये आपका ऑप्शन फिर सही हो जाएगा वहां पर समूह कारक के सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये लुइस थर्स्टन का नाम आता है लुइस थर्स्टन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी इनके एक और सिद्धांत के बारे में बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा समूह कारक का सिद्धांत एक सिद्धांत ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली ने दिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है और बुद्धि में आ और बा का सिद्धांत जैसे एक देखो जी और एक एस मानते हैं तो जी एस में अगर जब कभी बात आता है तो स्पियर मैन का नाम आता है लेकिन जब आ और बा का सिद्धांत के बारे में बात करें तो हैब का नाम याद रखिएगा बुद्धि का आ और बा आप इसको मत सोचिएगा कि जी है और इसको एस को समझिएगा बा ठीक है यहाँ पे आ और बा का सिद्धांत हैब का है और जी और एस का सिद्धांत जो है वो स्पियर मैन का केवल मैं आप लोगों को वन लीनियर के टाइप में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चलिए okay. okay, 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 okay. तो आगे बढ़ते हैं और जिसको अगर कोई डाउट वगैरह तो हो गया ना तो आप मुझे कमेंट भी कर देना है ना तो ये एग्जाम में प्रश्न बनता है पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में आगे अगर हम बात कर रहे हैं एक और चीज पर तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि धारा प्रवाह एवं अस्पष्ट सिद्धांत किसने दिया है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में प्रश्न बनाया गया है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने मतलब तरल और ठोस ये प्रश्न बनता है तरल और ठोस ये एम को भी ध्यान रखना होगा और ये प्रश्न जो है आप लोगों को मेडिकल सोशल वर्क में भी ध्यान रखना होगा ये प्रश्न पूछा जाता है पूछा गया भी प्रश्न है ये अगर हम बात करते हैं प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बुद्धि इकाई का सिद्धांत है स्टर्न और जॉनसन ने दिया है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो इस इस स्लाइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने दो बातें बताई हैं उन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेगा पहला एक बहुबुद्धि का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए दूसरा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया ये भी इंपॉर्टेंट है तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि तरल एवं ठोस सिद्धांत तो इस स्लाइड से तीन चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है और पहली स्लाइड में बता देता हूं मैं आप लोगों को इसमें क्या क्या है गुड आफ्टरनून हाँ, आगे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो पहले वाली स्लाइड पे अगर मैं बात पर आप लोगों से इसमें किन किन चीजों को ध्यान रखना होगा तो एक तो पहला वाले को आप ध्यान रखना है अल्फर्ट बीनेट का नाम याद रखना आप सभी लोग दूसरा आप जो है बुद्धि का दिखंड जिसको आप बोलते हैं दी दित, तत्व का सिद्धांत ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है इसको और पदानुक्रम का सिद्धांत पूछा जाता है तो यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख लेना आप लोग थोड़ा सा मैसलों का नाम लेकिन उसका नाम लिख लेना आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ऑब्लिक करके लिख लेना तो एक ये इंपॉर्टेंट है एक आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो है बा का सिद्धांत और इसके साथ साथ ऑब्लिक कर लेना जी और एस का सिद्धांत ठीक है स्पियर मैन का ठीक है इतनी चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा इसमें कम से कम चार तो मैंने सात बातें बताई हैं लगभग सात आठ बातें जो आप सबकी एग्जाम में जरूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं यही सब ठीक है तो सारे हम लोगों को ध्यान में नहीं रखना है आप लोगों को ऐसे ही नोट करते चल चलना है साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे अब विकास के कुछ अब वो बुद्धि के सिद्धांत थे अब हम बात करेंगे विकास को लेकर कुछ सिद्धांत वेरी बेरी, बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है इससे प्रश्न भी जैसे मनोविश्लेषण मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा तो इसको आप इंपॉर्टेंट करिएगा यह सिगमन फ्राइड ने दिया है यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनोसामाजिक विकास के के सिद्धांत बारे में बात करूं, तो आठ अवस्था के बारे में बात किया है इक एरिक इशन ने मैंने कल के क्वेश्चन में आप लोगों को बड़े अच्छे से बताया था और सिगमन फ्राइड के बेसिकली अगर बात किया जाता है तो इसमें जो आती है इसकी पांच अवस्थाएं आती हैं इसके बारे में भी मैंने अच्छे से बताया है और जो तीसरी अवस्था है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैलिक स्टेज में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और ओडिपोस ग्रंथि पाई जाती है थेनाटोस एक मूल इरोज और थेनाटोस एक मूल प्रवृत्ति है दो तो इसका ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा सिवनफ्लाइड के चौदह रक्षा युक्तियाँ हैं

ठीक है संवेदी जो है पेशी अवस्था के बारे में जीरो से दो वर्ष मैंने बताया था आप लोगों को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप लोगों को बताया था दो से लेकर आपको सात वर्ष तक बताया था फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया था सात से ग्यारह लेकर बताया था फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको अनौपचारिक बोलते हैं वो ग्यारह प्लस बताया था याद होगा आप सबको भली भांति तरीके से है ना तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के लिए आगे अगर हम बात करते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत में जब कभी आता है तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम पूछा जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना एक प्रश्न मैं आप सबसे कहूंगा कि नैतिक मांगों के सिद्धांत के बारे में किसने चर्चा किया नैतिक मांग आप सबसे क्वेश्चन है मेरा बताइए नैतिक मांग जी असल कनफ्का की बीजी खेर की आपका यंग यंग लार्ड की से फ्राइड किसने कहा है नैतिक मांग की जो है समाजकारी में नैतिक मांग का नैतिक मांगों के बारे में अपने पर। तो जैसे जैसे मुझे कुछ और याद आती है इसीलिए नोट कर लिया करें अपने कॉपी पर पीडीएफ तो आपको मैं दूंगा ही दूंगा इसमें कोई दो राय नहीं है दूसरी अगर मैं बात करता हूँ भाषा के अभी मैंने कल एक प्रश्न करवा रहा था मॉर्निंग टाइम में तो वो प्रश्न था कि भाषा के बारे में एल ए लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस एल ए डी के बारे में मैं आप लोगों से बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोगों ने मुझसे कहा था सर नॉन चोमस्की के बारे में और आप सबको याद होगा नॉन चोमस्की तो भाषा के जनक किसे कहा जाता है नॉन चोमस्की कहा जाता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है ठीक है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता इसको नहीं दूंगा

एक अवस्था में दो स्तर के रूप में डिवाइड किया था पूर्व नैतिकता को लेकर फिर नैतिकता को लेकर फिर पश्चिम नैतिकता को लेकर मैं बता चुका हूं आप सबको है ना आगे बात करते हैं परिस्थितिकी का सिद्धांत इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है समाज कार्य में सुमिलित को लेकर परिस्थिति की परस का जो है परक का सिद्धांत जो है यूरी ब्रोनो फ्रेन ब्रोनो फेन ब्रेनर ने दिया है ये आप नाम याद रखिएगा इसका ये परिस्थितिकी का सिद्धांत में आता है ठीक है तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सुमिलित करने वाले में मैंने इसका नाम आप लोगों से मैच करवाया भी है और आप सभी लोग जानते हैं जब कभी आपको मैंने बताया कि सामाजिक या सांस्कृतिक शब्द मिले तो आंख बंद करके आप ले बाइगोस्की का नाम लगा दिया करें करे लेगोस्की आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा तो संस्कृति का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक रचनात्मक का सिद्धांत किसने दिया है तो ले बाइगोस्की ने दिया है तो ये आपको क्लियर हो गया आगे अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा अधिगम को लेकर ये हमने देखा विकास को लेकर अब अब हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत के अब तक हमने बुद्धि के बारे में देख लिया और हमने विकास के लेवल पर देख लिया अब हम देखेंगे अधिगम के लेवल पर थोड़ा सा अधिगम के बारे में बात करें तो एक आता है ट्रायल एंड इरर आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रायल एंड इरर के बारे में जिसको बोला था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या उसी को हम बोलते हैं उद्दीपक का सिद्धांत हम उसी को बोलते हैं अनुक्रिया का सिद्धांत संबंध का सिद्धांत संयोजन का सिद्धांत बंधन बंध का सिद्धांत ये सभी का सभी जो नाम आएगा ये आपका नाम आता है ई एल थोर्नडाइक का नाम आता है ई एल थोर्नडाइक का नाम आता है ये आप ध्यान रखिएगा ये आपका लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मैंने ईवान पैट्रिक पावलाव जिसको हम लोग कहते हैं आईईपी के बारे में बात करते हैं आईपी पावलाव के बारे में बात करते हैं आईपी पावलाव जो है इन्होंने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था समाज कार्य में ये प्रश्न पूछा गया है मेडिकल सोशल वर्क वाले जो स्टूडेंट है ये लोग ध्यान रखेंगे ठीक है ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर उनके लिए अगर हम बात करते हैं क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत के बारे में तो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत सी एल हल का है ये आप ध्यान रखना लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अभी हाल ही में नाम सुना होगा कि आ, कोहलर का देहांत हो गया है सुना है किसी ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अभी दो में ही देहांत हुआ है किसी ने नहीं सुना नहीं सुना है आप लोगों ने चलो कोई बात नहीं नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए दो हजार का हुआ था, को था हाँ कोहलर के नहीं होता है वेरी गुड अल्बर्ट बैंडूरा का हुआ है यहाँ पे कोहलर का नहीं हुआ है तो आप इसे ध्यान रखिएगा अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत और गेस्टाल्ट का सिद्धांत के बारे में अगर आता है अगर गेस्टाल्ट का आएगा तो मैक्स वर्धिमन का नाम आएगा और कोनफ्का का नाम आता है और अगर आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आता है तो आपका नाम आता है कोहलर का नाम यह आप ध्यान रखिएगा क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत बी एफ स्कीनर का नाम होता है आ जाता है यहाँ पर इसे आप ध्यान रखेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अभी आप लोगों ने मुझे बताया भी कि अल्बर्ट बैंडूरा का देहांत हुआ यही आपका करेक्ट जवाब होगा दो में इनका देहांत हुआ है अल्बर्ट तो इसलिए ये प्रश्न हमें आ सकता है दोबारा से भी पूछा जा सकता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है संरचनात्मक अगर अधिगम का सिद्धांत पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है और अभी अभी मैंने आप लोगों से बताया था कि अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत या आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत अगर आप लोगों को याद है तो अभी ऊपर मैंने बताया था हाइप के साथ में तो आप इजीली आप यहां पे कहेंगे कि सर यहां पे अब्राहम मैसलो का नाम आएगा जो इन्होंने पिरामिड के माध्यम से क्या किया था पांच वस्तुओं में डिवाइड किया था ठीक है तो ये चीजा है कर्ट लेविंग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल वर्क के क्षेत्रवाद के सिद्धांत के बारे में बात किया है ये तो ये भी इंपॉर्टेंट है कर्ट लेविन इसको कहीं कहीं कर्ट लेविन भी कहा जाता है ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत इंपॉर्टेंट नहीं है ये और आगे हम बात करें समीपता का सिद्धांत गुथरी का है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी आप ध्यान ऑप्शन में आता है गुथरी ऑप्शन में आता है आप लोगों को जब समाज कार्य का पेपर मैंने करवाया है तो उसमें दिखाया भी है आप लोगों का गुथरी के बारे में बताया भी है आगे अगर हम बात करते हैं अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल का है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है और अधिगम सोपान की जो सिद्धांत है रॉबर्ट गेने का है कुल टोटल इसने ग्यारह सोपान दिए थे ये भी आप ध्यान रखेंगे ये रॉबर्ट गेने का है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना होगा मैं सिर्फ वही चीज़ों पर डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को वही चीज़ें मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में आसानी से इसको कर ले ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत को लेकर अब अभी तक हमने बात किया है बुद्धि को लेकर विकास को लेकर और अधिगम अध्या, को लेकर अब हम बात करेंगे अधिगम के हस्तांतरण को लेकर अधिगम के हस्तांतरण में सामान्य तत्वों का सिद्धांत की बात करता है तो कोई वो थॉन्डाइप का नाम आता है और सामान्यीकरण का सिद्धांत कोई बात करता है तो सी एच अब ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है ध्यान रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं अभी आप लोगों को मैंने बताया था जी और यस याद है किसी को जी फॉर जनरल और एस फॉर एस्पेसिफिक यानी स्पेशल विशिष्ट तथ्यों का सिद्धांत के बारे में स्पीयरमैन मैन ने कहा था यह बात आपको मैंने बताया था और कहां पर बताया था जब मैं आपको बता रहा था कि आ और बा का सिद्धांत याद रखें तो इसके साथ ओबली करके जरूर लिखें स्पीयरमैन मैन का नाम तो यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ठीक है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मानसिक शक्ति का सिद्धांत ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फैकल्टी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है यहाँ पर केवल केवल अभी एक ही बात आपको इम्पोर्टेंट मिली है इसका आप ध्यान रखेंगे औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स का है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है और मूल अभिज्ञान का सिद्धांत जो है रीगर और बैगले का है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसे आप भी छोड़ सकते हैं आगे हम बात करते हैं अब अभिप्रेरणा के सिद्धांत को लेकर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जब कभी मूल प्रवृत्ति के बारे में बात करता हूं तो चौदह मूल प्रवृत्तियों के बारे में हमेशा आप लोगों से जिक्र करता हूं चौदह मूल प्रवृत्ति देने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम है मैकडुगल याद रखेगा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सक्रिय सिद्धांत के बारे में बात करें एक्टिव सिद्धांत के बारे में बात करें तो सोलेसबरी और मैमोलो लिडसले का नाम आता है परंतु ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है संतुलन अगर हम बात करें सधैर्य सथैर्य सिद्धांत के बारे में ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कोफर का नाम आता है चैपलिन का नाम आता है इंपॉर्टेंट नहीं है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्मसिद्धि का सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा गया सोशल वर्क में प्रश्न है ये कि अब्राहम मैसलो का नाम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों ने किया भी है मैंने बहुत सारे पेपर करवाए हैं आप लोगों को बताया भी है तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मिले हुए हैं ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है यूनिक भी है तो आप नाम याद रखिएगा डेविड सी का नाम ठीक है का नाम याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है ऑप्शन में इसका नाम आया हुआ है ठीक है तो इस स्लाइड में तीन बातें हैं इंपॉर्टेंट एक बातें आपके लिए है मूल प्रवृत्ति दूसरी बातें है आत्मसिद्धि तीसरी बात है उपलब्धि अभिप्रेरणा ठीक है अभिप्रेरणा का सिद्धांत मिले तो इसका मतलब अब्राहम मैसलो का नहीं होगा उपलब्धि को देखो उपलब्धि के बारे में कौन कह रहा है मैकली जो है लैंड ने कहा है इस बात को ठीक है तो इस चीज को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे आगे अगर हम बात करते हैं अब व्यक्तित्व के सिद्धांत को लेकर व्यक्तित्व के सिद्धांत में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा भलीभांत तरीके से पर्सनालिटी जो है परसोना शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मुखौटा आप लोगों को भलीभांत तरीके से पता है ऐसी कंडीशन पर आप क्या करें इसको याद करने का तरीका बताता हूं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिकबन फ्रायड का है आप अच्छे तरीके से जानते हैं नौ अब यहाँ पर नौ आ गया है तो नौ आएगा तो नव युग होगा ऐसे ट्रिक बना लीजिए और नौ मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का जो होगा वो युंग ने दिया है और आपके बात करूं एडलर ने दिया है हॉर्नी ने दिया है और एरिक इरिक्थोर ने दिया है लेकिन अगर नाम आता है नौ को लेकर तो केवल केवल ऑप्शन में आपको मिलेगा युग चारों नहीं मिलेंगे ठीक है या तो आपसे कहेगा किसने नहीं दिया है तो सीगमन फ्रायड दे देगा दे तो आप ये तीन दे देगा दे इसमें से और एक नाम सीगमन फ्रायड दे देगा दे तो सिगमन फ्रायड को आप गलत कर देना वहां पर यही नहीं दिया है नौ मनोविश्लेषण विश्लेषणवादी सिद्धांत ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ऊपर के दोनों के दोनों पॉइंट अच्छा तीसरा भी इंपॉर्टेंट है सील गुण उपागम के बारे में बात करें तो अल्पोर्ट और कैटल के द्वारा दिया गया है और जिसे मैंने अभी बात किया था ना तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत कोई दिया है तो अभी ऊपर मैंने आपको स्लाइड जा चुकी है मैंने बताया भी है कि कैटल ने दिया है इस चीज़ को आपको मैं बता चुका हूँ ये बातें आगे अगर हम बात करते हैं शारीरिक गठन उपागम का सिद्धांत को लेकर तो शारीरिक गठन लेकर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है कालजुंग ने दिया है ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा वही है कालयुंग जो मनो नेषणवादी सिद्धांत दिया इसी ने दिया है तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बात अब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पूछेगा तो सीख फ्रायड का नाम आएगा इन चीज का आप खासकर ध्यान रखेंगे दोनों की दोनों बातें ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं तो अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है अब मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक के बारे में बात करेंगे जैसे में आप सभी लोग जानते हैं कि व्यवहारवादी संप्रदाय किसने दिया है या व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है आप अच्छे तरीके से पता है आप सभी को जे बी वॉटसन को और इसने किस पे किया था खरगोश पे किया था आपको पता होगा गेस्टाल्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था गेस्टाल्ट में बेसिकली मैक्स वर्धमन का नाम आता है कोहलर का नाम आता है कोनफ्का का नाम आता है और कर्ट लेविन का नाम आता है कर्ट लेविन बेसिकली फेमस है अगर किसी चीज़ में तो वो क्षेत्रवाद में कोनफ्का अगर किसी चीज़ में फेमस है तो वो है नैतिक के मांगों में कोहलर अगर किसी चीज़ में फेमस है तो वो है आपका कोहलर का नाम अगर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में फेमस है और मैक्स वर्धमन अगर किसी चीज़ में फेमस है तो वो गेस्टाल्ट में फेमस है पर्लमेंट को लोग लगा के चले आते हैं जो कि ऑप्शन में आता है कि निदान के बताइए जरा कि पर्लमेंट ने कितने भागों में डिवाइड किया है तो गेस्टाल्ट दे, दे देता है ऑप्शन में और जो कि लगा के चले आते हैं वो गलत होता है गेस्टाल्ट से वो ऑप्शन में उठा के दे देता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखिएगा ये भी और आपका पहला और दूसरा दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मनोविश्लेषण संप्रदाय के बारे में बात किया जाए तो सिगमन फ्रैट का ही नाम आएगा आप सबको पता होगा आपने नाम देखा होगा प्रेरक एक प्रेरक का नाम देखता देखते होंगे आप सभी लोग मोटिव जिसको हम लोग बोलते हैं मोटिव तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बिलियम बैगडुगल के बारे में बात कहता है जिसको हार्मिक संप्रदाय भी बोला जाता है प्रेरिती को ही तो ये विलियम मैगडुगल का नाम आता है ये आपका भी सही माना जाएगा प्रकारवादेरी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकार संप्रदाय की बार हो रही, बात हो रही है कार्यात्मकता जो वादी संप्रदाय उसके बारे में बात हो रही है तो विलियम जेम्स का नाम आता है ध्यान रखिएगा प्रकार संरचना के बारे में बात होती है तो टालका्ट का नाम आता है हालांकि मैंने आपको बता भी चुका हूं और अगर संरचनावाद का संप्रदाय के बारे में बात आता है तो विलियम उन्ट का नाम आता है ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट आपका पहला होगा दूसरा इंपॉर्टेंट होगा यहां पर अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट होगा और यहां पर फिर बात करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संरचनावाद और प्रकार में क्या अंतर है उसके लिए मैं इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विलियम जेम्स ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा तीन चार चीजें इसमें बताया है मैंने आप लोगों के लिए याद करवाना मेरा मोटो था संरचनात्मकवाद को लेकर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर तो मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं वो आरस्तु कहलाते हैं इसको आपको ध्यान रखना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो होते हैं वो थॉन्डाइक होंगे और ध्यान रखिएगा अगर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो विलियम उन्ट का नाम याद रखना आप सभी लोग ठीक है यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेगा तो आप ध्यान रखना थॉन्डाइक का और यहाँ पे औबली करके आप लिख लीजिए उंट का नाम ठीक है किसका नाम लिख लीजिए उन्ट का नाम ये आधुनिक मनोविज्ञान में ठीक है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक अगर होता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है विलियम उंट का नाम आएगा अच्छा देखो यहां पे लिखा हुआ है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन सा हो तो बिलियम मुंड का नाम होगा ये आपका तीनों के तीनों ऊपर से जो तीन पॉइंट चली है ये तीनों आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है अमेरिकन मनोविज्ञान कौन है विलियम जेन्स है ठीक है विकासात्मक ये अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट विकासात्मक मनोविज्ञान का तो जीन पियाजे का नाम आता है ठीक है किशोरावस्था में जैसे तूफान की अवस्था किसने बोला है ठीक है अगर हम बात करें एक संघर्ष की अवस्था किसने बोला है तो ये स्टेनली हॉल का नाम आता है तो इसलिए आप इसको भी सही लगाएंगे

अब मैंने इस स्लाइड में अब आपका सिद्धांत हो गया समाप्त ठीक है शायद आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक मैं ऐसा कर रहा हूं है ना दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को मैंने केवल आज आप लोगों को हाँ हाँ तो मैंने केवल आज आप लोगों को मेन मेन चीजें लिए हैं मैंने सब चीज बता चुका हूं यहां मैंने आप लोगों को केवल नाम नाम को एक साथ ऐड करके इस स्लाइड को लेने का मेरा मोटो था केवल नाम नाम को लेकर ताकि आप स्पीयर के मैन के बारे में गिलफोर्ट के बारे में थोड़ा के बाद अब तक तो आप अलग अलग नाम देख रहे थे ना वहाँ पे बुद्धि के आधार पे कौन आ रहा था कौन उसके आधार पर अब मैंने यहाँ पे सब मिक्स कर दिया है सब अब केवल नाम ले लिया तो आप ऐसे नाम के आधार पे भी बाकी चीज वही है देखो कैटल का नाम मैं पढ़ा रहा था तरल एवं ठोस को लेकर है ना ये भी आपको बताया वहाँ पर फिर अभी मैंने बताया प्रतिकारक सिद्धांत में कैटल का नाम ये भी बताया था ये भी चीज़ें वहां पर आ गई है ना तो ये सभी जो है एक साथ आ जाते हैं ठीक है तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना बाकी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में आप लोग इसे देख लेना एक बार ठीक है और कुल टोटल इसमें लगभग होंगे हंड्रेड होंगे हंड्रेड होंगे आई थिंक है ना देखो हंड्रेड प्लस हैं वन ट्वेंटी टू है है ना तो इसमें बताने की ज़्यादा मुझे जरूरत नहीं है है मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है वन फिफ्टी हैं वन फिफ्टी अच्छा और प्लस है भाई देखिए ये टू हंड्रेड क्या है क्या आस पास मतलब वन हंड्रेड नाइन्टी के पास आपके पास इसमें सारे के सारे सिद्धांत तो मैंने एक साथ कर दिए हैं सारा का सारा इसमें डाल दिया है ठीक है सारे के सारे सिद्धांत को मैंने इसमें डाल दिया है अब आप लोग इसमें अगर आप क्या मैं मुझे बताने की जरूरत है कि आप लोग देख लोगे बता दीजिए एक बार अगर आपको बताने की जरूरत है देख लेंगे लेते बहुत बढ़िया देख लेंगे शाबाश अब हमें आगे बढ़ता हूं अब हम बात करते हैं परिवार के प्रकार पे तो बहुत बच्चों का डाउट था भाई कि कल कह रहे थे कि सर परिवार के बारे में हमें समझ नहीं आता है तो आज मैं इसको याद करवाऊंगा आप लोगों को है ना तो बुद्धि जितना मैंने अभी बुद्धि के बारे में बताया विकास के बारे में बताया अधिगम के बारे में बताया क्लास समाप्त होने के बाद जरूर उसे आप लोग देखिएगा है ना उसे जरूर आप लोग देखिएगा आगे बात करता हूं अब मैं यहां से आपको याद करवाऊंगा संख्या के आधार पर एक संयुक्त परिवार होता है एक नाभिकीय परिवार होता है संयुक्त परिवार आप भलीभांति तरीके से रूबरू होंगे कि बड़े परिवार को बोलते हैं और छोटा परिवार को बोलते हैं नाभिकीय परिवार और निवास के स्थान पे अगर बात किया जाए तो स्थानीय परिवार होता है मात्र स्थानीय परिवार होता है नव स्थानीय परिवार होता है आप यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत आप सबको नहीं है मैं आपको बताऊंगा अभी आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें आप सभी लोग है ना आगे अगर हम बात करें तो अधिकार के आधार पे बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार होता है मातृ सत्तात्मक परिवार होता है वंश के आधार पे जो है पितृवंशी होता है एक मातृवंशी होता है विवाह के आधार पर एक विवाही होता है बहुविवाही होता है संयुक्त परिवार में आप सभी लोगों को पता होगा जिसमें एक बड़ा परिवार होता है और अगर हम बात करें तो तीन पीढ़ी इसमें इन्वॉल्व होती है ठीक है तो ये चीज़ें बेसिकली भारत में जो है मुख्य रूप से ये परिवार पाया जाता है संयुक्त परिवार और खासकर गाँव की तरफ है ना ग्रामीण के क्षेत्रों में तो मैंने कल पढ़ा भी रहा था एम वालों को बता भी रहा था कि एक विशेषता के रूप में अगर आता है कोई तो ये ग्रामीण परिवार की एक विशेषता के रूप में देखने को हमें मिल भी जाती है ठीक है तो ये चीजें आपको पता होगी बाकी मुझे अब यहाँ से आप लोगों को याद करने की जरूरत है पितृवंशी को लेकर यहाँ पर पितृस्थानी को लेकर अब थोड़ा सा आप सभी लोग इसकी कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है पैट्री लोकल फैमिली के बारे में ऐसे लिख देता है इसको कैसे याद करेंगे पहले पढ़ते हैं फिर मैं याद करवाता हूं ऐसा परिवार जो विवाह के उपरांत पाते मतलब पत उपरांत पति के परिवार के साथ रहते हैं उसे पित्र स्थानीय परिवार कहते हैं भारत में या जो है परिवार प्रचलित है आप जानते हैं अब आप देखिए जरा यहाँ पर ट्रिक बनाते हैं हम सभी लोग एक तो पित्र यहाँ पे लग रहा है और पैट्री यहाँ पर लग रहा है तो दोनों में हमें इससे पता ये चल रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर भूमिका होगी तो पति की भूमिका होगी ट्रिक बना रहा तो आप ताकि आप कहीं कन्फ्यूजन ना हो आप सबको है ना लोकल का मतलब स्थानीय होता है तो पति के घर पे जाओ बस सिंपल सी ये आप बताओ ये ट्रिक से आपको याद हुआ कि नहीं अब ये ट्रिक से याद करने की जरूरत है थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम आ गया है करीब में याद हुआ कि नहीं एक बार कन्फर्म करिए जरा शायद ये जिसको डाउट था उन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ अब ये नाम याद तो नहीं हाँ याद हो गया ठीक है बहुत बढ़िया आगे आगे अगर हम बात करते हैं मात्र स्थानीय परिवार को, को अब देखो मात्र में यहां पे देख रहे हैं आप लोग मैट्री लोकल में तो आपको रिलेट करना मात्र यार ढूंढो कहीं एम तो नहीं लिखा हुआ है अगर मैट्री लिखा हुआ तो ठीक है समझ जाते हैं एम भी लिखा तो माता होगी मात्र लिखा होगा तो माता होगी ऐसे में हमें इस तरीके से समझ लेना है फिर अब ये बातें समझ समझ लेने के बाद तुरंत आपको ये समझना है कि ये जब माता यहां पे तो माता को प्राथमिकता दी जा रही है यानी पत्नी को प्राथमिकता दी जा रही है तो जब वैवाहिक जोड़ा पति के परिवार के साथ मतलब यहां पे पत्नी के परिवार के साथ रह रहा है पत्नी के परिवार के साथ रह रहा है तो माता को प्राथमिकता दी जा रही है मतलब एक ट्रिक बना रहा हूँ याद करने का तरीका ठीक है याद करने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों कि यहां घर किसका होगा मात्र का घर होगा वहां घर किसका हो रहा था पित्र का घर हो रहा था पिता का घर हो रहा था यानी पति का घर होता है यहां पर पत्नी का घर हो रहा है तो इससे नाम से आपको ऐसे याद कर लेना है ठीक है तो ये मैट्रीलोकल हो जाता है तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना ये प्रश्न कई बार सुमिलित को लेकर प्रश्न पूछा गया है तो दो याद हो गए होंगे आप लोगों को आगे बात करते हैं अब बात करते हैं नवस्थानी या न्यू लोकल तो देखो न्यू न्यू का मतलब नया और नौ का मतलब भी नया ठीक है अब इसका मतलब यह हुआ कि पति पत्नी जो होंगे वो एक नए स्थान पर रहना शुरू कर देंगे अपना नया आवास बना लेंगे उसको बोलते हैं न्यू लोकल ठीक ऐसे आपको ध्यान रखना है या उसे हम बोलेंगे नौ स्थानी तो ये तीन तो बहुत सरल था कि शब्दों से ही पढ़ के आप लोगों ने क्या कर लिया इसको इजिली कर लिया कोई दिक्कत तो नहीं हुआ अब बताइए यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ एक बार कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग मुझे हाँ बिल्कुल चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है और अगर दिक्कत हो रही है तो आप पूछ लीजिए क्योंकि यही समय है आपके पास पूछने का फिर उसके बाद थोड़ी ना आपके पास समय मिलेगा पूछने का है ना अब हम बात करते हैं आगे बारे में अब यहाँ पर देखिए पितृ सत्तात्मक के बारे में थोड़ा सा पित्र सत्तात्मक में अगर हम बात करें तो पेट्री ऑर्कल का नाम आ रहा है पेट्री ऑर्कल का हम कहेंगे पेट्री ऑर्कल अब ये बेसिकली ऑर्कल नहीं लिखा हुआ मिलता है

बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा परिवार जिसमें पुरुष या जाति का आधिपत्य रहता है पारिवारिक निर्णय में पुरुष का मुख्य भूमिका होती है एक मिनट बैकग्राउंड आवाज आ रही होगी आपके पास तो समझ में आ जाएगी तो एक बार जरा मुझे बताइए क्या आप ये समझ गए कि इसमें भी कही कहीं ना कहीं पति की भूमिका सबसे मुख्य होगी पुरुष की भूमिका सबसे ज्यादा मुख्य होगी होगी कि नहीं होगी बताइए जरा तो ऐसा परिवार जिसमें पुरुष या पति का आधिपत्य रहता है उसे हम बोलते हैं पित्र सत्तात्मक उसकी ही तो सत्ता है सत्ता का मतलब अधिकार अधिकार किसका होना चाहिए बताइए जरा पति का अधिकार तो हम इसको बोलते हैं पित्र सत्ता, सत्ता का मतलब अधिकार होता है ठीक है याद हुआ बता दीजिए एक बार याद हुआ yes, हाँ अब आगे हम बात करते हैं यहां पर एक नेक्स्ट लेते हैं मैट्री अब देखिए मैट्री आर्कल के बारे में बात करते हैं यहां पर तो मात्र अब यहां पे वहां देख रहे थे पी पी फोर पिता को एम आएगा अभी एम आ जाएगा देखो स्थानीय तो थोड़ी ना लिखा मैंने अगर लोकल लिखता तो फिर होता तो आप यहां पे समझते लेकिन यहां पे अब अगेन आपको यह समझ जाना है कि मेट्री लोकल में मात्र से लेकर अब यहां पर प्राथमिकता किसको है यहां पर प्राथमिकता किसको है स्त्री को है माता को है तो ऐसे परिवार में जहां स्त्रियों का पुरुषों पर आधिपत्य हो रहा है और आज के समय में यही चल रहा है है ना तो ये चीजें आप पे अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश बिहार के तराई क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है थारू जनजाति में ज्यादा पाया जाता है इसका उदा... ये एग्जाम में प्रश्न नहीं आने वाला है ठीक है बाकी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं ठीक है तो ये चीजें आपको यहां से ये बातें याद रख लेनी है कि मातृ सत्ता मतलब माता का स्त्री का अधिपत्य होगा अधिकार होगा किस पर होगा पुरुष पे होगा बस अब बात करते हैं वंश के बारे में बताइए जरा यहां तक याद हो गया अब आप मुझे जरा बताए पित्रवंशी पित्रवंशी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इसकी इंग्लिश में क्या होगी पैट्री नीलियल होगा और पैट्री नीलियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है मतलब अब यहां पर ये बातें आ रही है कि पी से आ रहा फिर पिता आ रहा तो फिर पिता के ही यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा उसी का प्राथमिकता दी जा रही होगी पढ़ते हैं यह परिवार जिसमें बच्चों का वंश नाम संपत्ति पिता के वंश से प्राप्त होता है ऐसे परिवार को पितृवंशी परिवार कहते हैं जहां बच्चों का वंश संपत्ति पिता के वंश पे होती है ना? उसको बोलते पितृवंशी और ठीक उसी प्रकार से मैत्र यानी मैट्रीनियन में बात करें तो यहां पर किसका नाम हो जाएगा माता के वंश के आधार पर होता है तब ऐसे परिवार को मातृवंशी परिवार कहते हैं हम लोग बस ये चीजें आपको याद हो गई होंगी अब यही यही दिक्कत कर रहा था ना आप लोगों को बताइए जरा एक बार बताइए अब आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बताइए हाँ, अब हम बात करते हैं मोनो अच्छा आपने नाम सुना मोनोडाई और एक पोली ऐसा नाम सुना है कभी आपने मोनो का मतलब हाँ मोनो का मतलब जानते क्या होता है एक शब्द ये समझ लीजिए कि मोनो का मतलब एक मोनो का मतलब एक होता है अच्छा बाई अगर हम बाई के बारे में बात करते हैं यहां पर अगर बाई लिख देते हैं बी आई बाई मतलब बी कर देते हैं तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है दो होता है किसी शब्दों के आगे अगर आप जिसे रूट वर्ड अगर मैं बात करूं इंग्लिश में इंग्लिश के अगर आप जब ओ okay याद करते हैं तो उसमें कभी कभी मोनो लगा देते हैं तो आप समझ आइए यार ये तो एक एक तरफ बात करेगा अगर आप बी लगा देते हैं तो आप दो की बात करते हैं पोली लगा देते हैं तो बहुत सारे की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रिक है आप समझिए यहाँ पर इस बात को तो जब मोनो आए तो मोनो में आपको केवल एक समझना है और एक का मतलब यही होता है चाहे वो एक पति हो चाहे वो एक स्त्री हो शादी करेगी तो एक ही पति या एक ही स्त्री से करेगी वही होता है मोनोजेमियस मोनोगेमियस होता है वही मोनोगेमियस होता है अब तो दिक्कत नहीं होगा बता दीजिए आप अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को मोनोगेमियस में है ना तो ये आपका हो जाएगा आगे आ, अगर हम बात करते हैं बहु अगर हम बात करें अब देखो अब बी नहीं मिलेगा आपको मैंने एक समझाया है ट्रिक को पोली मिल गया अब पोली का मतलब होता है बहु अब बहु का मतलब होता है अधिक तो जहां पर कोई स्त्री या कोई एक पुरुष एक से अधिक जीवन साथी के द्वारा परिवार का निर्माण करता है तब उसे हम बोलते हैं चाहे अगर एक स्त्री है तो वहां पर जो है अलग जीवन साथी का चुनाव कर रही है एक पुरुष है अलग जीवन साथी का चुनाव कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं और एक ही करते हैं बेसिकली ये भारत का तो बहुत ही फेमस है एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार की बात किया जाए तो कुछ जनजातियों में फेमस है है ना ये चीजें आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा है ना तो ये आपको ध्यान रखना है एक विवाही और मोनो और पोली इन दोनों चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है थोड़ा सा मैं रुक रुक के बता रहा हूँ आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको ये याद भी हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बस क्लियर हो गया होगा यहाँ पर अब ठीक उसी प्रकार से मैंने सत्ता के अधिकार पे वही चीजें रिपीट करके थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर दे रखा है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आपको मिल जाएगा पित्र मिला तो पिता का अधिकार सिंपल सी बात है मात्र मिला माता का अधिकार मित अगर हम मातृवंशी की बात करें तो यहां पर जो वंश की बात हो रही है वो मात्र क्या होगा माता का होगा माता के वंश पर होगा पितृ के वंश की बात करें तो पित्र के वंश के रूप में होगा एक आता है आपका उभयवाही परिवार उभयवाही परिवार के बारे में बात करें तो जिन परिवारों में मात्र एक पुत्र वंश को छोड़कर अन्य किसी निकट संबंधियों के वंश का नाम और वंश परिचय निर्धारित करें उन्हें हम बोलते उभय वाहि परिवार अब एक चीज़ में बताता हूँ अगर याद नहीं होता तो टेंशन मत लीजिए मैं बताता हूँ अभी क्यों क्यों टेंशन मत लीजिए क्यों इसलिए क्योंकि और जो चार ऑप्शन है ना ये पितृ मात्र जरूर मिलेंगे आपको एलिमेंट कर देना उनको हटा देना निकाल लेना फिर इस तरीके से मिल जाएगा ये बट आप सुन लीजिए एक बार इसको भी उभयवाही परिवार के बारे में क्या होता है कि जिन परिवारों में मात्र तथा पुत्र वंश छोड़कर ध्यान समझिएगा किसी निकट के संबंध के वंश के नाम पर या वंश के परिचय पर आधारित होता है तो मतलब जैसे नहीं कहते आप लोग भाई कि उभय हो गया तीसरा पर्सन कोई आ गया तो थर्ड पर्सन जो आ जाता है उसको हम उभय बोल देते हैं ठीक है यूनिक हो गया मिश्रित बोलते हैं या तो यूनिक बोलते हैं या तो उभय बोलते हैं ऐसे हम लोग नाम देते हैं उसको है ना थर्ड पर तो उभय में क्या होता है कि परिवार में जो है पुत्र वंश वंश को छोड़ कर, मात्र को छोड़कर छोड़कर किसी निकट के जो संबंध में रिलेशन वाले होंगे उसके वंश पर जो परिचय के बारे में बात करो वो होता है उभय ठीक है वो होता है उभय जो आपके निकट होंगे आप लोगों के उसको बोलते हैं उभय ठीक है क्लियर हो गया होगा अगर हम बात करते हैं दिगामी ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं दीनामी परिवार के बारे में जिन परिवार में माता और पिता दोनों ही परिवार के आधार पर वंश के नाम तथा बच्चों के वंश परंपरागत के रूप में अब दीनाम से मतलब दो लोग आएंगे दो लोग कौन कौन से होंगे एक माता होगी एक पिता होगा तो अब ध्यान सुनिए ये दो हो गए अब इन दोनों के परिवार का वंश के जो नाम होगा उनके बच्चों के वंश का परंपरागत रूप से अगर कोई परिवार कहलाता उसे हम बोलते हैं दीनामी तो एक तरफ माता का भी परिवार चल रहा है मतलब उसके मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति के ससुराल का परि परिवार चल रहा है ठीक है और यानी महिला की मायके का प्लस में उसके ससुराल का भी काम चल रहा है तो इसको हम बोलते हैं दुई नामी परिवार बोलते हैं ठीक है तो इसको दो नाम आ गए यहाँ पर माता का भी और पिता का भी नाम आ गया ठीक है ये याद करने का तरीका है ऐसे में बाकी यहाँ पर आपको पता है मैंने बता चुका हूँ जन्म स्थान पर पितृस्थानी जिसको पेट्रेलोकल और और नो लोकल मतलब आपको पता हो गया ये तो विवाह के आधार पे एक विवाही परिवार आपको जानते हैं केवल मोनो मोनोजेमियस होगा और पॉलीगेमियस हो जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बहुपति बहुपति विवाह बहु बहुपति विवाह किसे कहेंगे जब एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ क्या कर ले वैवाहिक संबंध रख ले तो इसको बोलते हैं बहु बहुविवाही जैसे आप कह सकते हैं पांडव को पांडव क्या थे भाई वहाँ पे क्या नाम था उनके वाइफ का ए, द्रोपती। हाँ द्रौपदी पांचाली हाँ द्रौपदी कभी कभी स्किप कर देता है मेरा अर्धचेतन मन है ना तो ये चीजें आती हैं तो हाँ तो यहाँ पर जो है बहुपति ये हो जाता है आपको उसमें और अगर हम बात करें बहुपत्नी विवाह में तो जब एक पुरुष और एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है और ये जब परंपरा जैसे अगर हम बात करें पहले के समय बहुत चलती थी जैसे आप देख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए अशोक सम्राट को देख लीजिए इनके तो तीन चार हुआ करती थी ठीक है उसके भी अशोक पुत्र हुआ करते थे उसके उतने पुत्र हुआ करते थे उसके वो पुत्र हुआ करते थे काफ़ी पत्नियाँ हुआ करती तो ये पहले से चलता था अब नहीं चलता है और आजकल ऐसा जो करेगा उसको भाई भारत सरकार के द्वारा भाई बहुत सारे अधिनियम बना दिए गए कानून बना दिए गए उसको दंडित किया जाएगा यानी धोखा दे रहा है फिर तो वो व्यक्ति तो बहुपत्नी विवाह ये उसको बोलते जब एक पुरुष जो है एक से अधिक पत्नियों से विवाह कर लेता यानी एक से अधिक महिलाओं से या स्त्रियों से विवाह कर लेता इसको बोलते हैं तो ये भी क्लियर हो गया होगा ये भी प्रश्न पे आता है प्रश्न में ये भी प्रश्न में पूछा जाता है अब सदस्य के आधार पर बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा एकाकी परिवार हम बोलते हैं किसको भाई जहां पर आपको पता होगा कि माता-पिता प्लस में उसके बच्चे रहते हैं वो होते हैं अविवाहित हां हां हाँ। बहु विवाह और बहुपत्नी विवाह एक है क्या बहु विवाह और बहुपत्नी विवाह नहीं अलग अलग हैं बहु विवाह जो होता है बेसिकली क्या होता है उसमें कॉन्सेप्ट ये है परिभाषा उसकी है यार ये परिभाषा उसकी है कि वहाँ पे या तो पुरुष होगा या तो स्त्री होगी तो वो अधिक होगा उसका अगर स्त्री है तो उसके अधिक पुरुष होंगे तो वो बहु विवाह में आ जाता है ऐसे कंडीशन पर और अगर जो बहुपत्नी की बात हो रहा बहुपति की बात हो रही तो आप ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं ठीक है उसको भी ऐसे डिफाइन देखो यहां पर देखिए बहुविवाह क्या कह रहा है कह रहा है कि जिसमें पुरुष एक से अधिक पत्नी रखता हो तो बहुविवाह में आ जाएगा और ऐसी कंडीशन पर यह भी हो सकता है बहुविवाह में कि डिस, डिसाइड नहीं किया है ये कि बहुपत्नी ऐसे में तो ये भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है भाई ऐसे में तो पुरुष एक से अधिक पत्नी के विवाह कर रही तो और पत्नी भी तो अधिक पुरुष से कर सकती है तो ये भी उसी का पार्ट है मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, आप समझ रहे हैं उसी का पार्ट है ये हाँ तो ये उसी का पार्ट अब इसको डिफाइन कर दिया गया दो भागों में इसी परिवार को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया एक को बोला गया बहुपत्नी को भाई अलग से परिभाषित कर दो और एक को बोला गया बहुपति को अलग परिभाषित कर दो हाँ ठीक है इसको अलग अलग कर दिया गया फिर ठीक है तनवी क्या नाम उसका है प्रियंका हाँ हाँ बोलिए सर वो मतलब एक जगह मैंने बहु बहु सा भी देखा था तो ये वही है पुलिस जी नहीं आएगा ना बहु हाँ भारिया मतलब पत्नी ही होता है हाँ बहु भारिया हाँ हाँ भारिया मतलब पत्नी होता है हाँ 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 वही होता है संस्कृत में भारिया मतलब हाँ सही हा, सही हाँ सही ठीक जवाब अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के बारे में आपको पता है तीन पीढ़ी होती है इसमें आप सब जानते हैं इसी में जैसे एक बृहद परिवार होता है एक बड़ा परिवार होता है एक छोटा परिवार होता है छोटा परिवार के अगर एक मानक संख्या बताई गई है इसमें लघु परिवार का पाँच से छः लोग हो सकते हैं इसमें बड़ा परिवार में जो एक मानक संख्या बताई गई सदस्यों का पंद्रह सदस्य हो सकते हैं और बृहद परिवारों की मानक संख्या बताई गई कि तीन पीढ़ी तक होता है रक्त संबंधी के साथ लोग निवास करते हैं इसमें दस से लेकर पचास लोग तक हो सकते हैं ठीक है तो ऐसे एक मानक बताए गए हैं अगर मानक आता है दस से पचास वाला तो बृहद लगाना अगर मानक आता है पांच से लेकर पंद्रह तक तो आप बड़ा वाला लगा देना और अगर पांच से छह तक लोग ही लगा रहे हैं तो आप उसको एकाकी परिवार परिवार या छोटा परिवार का दर्जा दे सकते हैं या उसको मानक लगा सकते हैं आपका यह सही जवाब हो जाएगा और जैसे इन्होंने कहा कि बहु बहारिया करके आता है ठीक है आ, पिता करके आता है पते या तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है बात वही है मैंने जितना पढ़ा दिया वही है बस शब्दों को तोड़ना आप उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकालेगा ठीक है भाई वही चीजें आएंगी आप लोग है ना मेरी बात समझ सर, हाँ। माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली सर माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया मैंने आप लोगों को शायद इसका मैंने क्वेश्चन भी करवाया था मैंने दिया हाँ था, था एक बार सेंड किया था बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने माइक्रो न्यूक्लियर की फैमिली की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिकली बच्चे नहीं होंगे केवल पति पत्नी होंगे ठीक है बहुत बढ़िया याद करवा दिया आपने माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली के बारे में भी ये चीजें होता है ठीक है तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है माइक्रो माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली में ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं कि अनुलोम विवाह जो होता है अच्छा देखो अब हम बात करेंगे अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह के बारे में ये भी कई बार प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च जाति पुरुष होगा और निम्न जाति की महिला के बीच का विवाह होता मतलब इनके बीच जब विवाह होगा कोई उच्च जाति का पुरुष होगा और निम्न जाति की क्या होगी वहां पर महिला होगी तो उसकी जब शादी होगी तो उसको अनुलोम बोलेंगे और अगर हम बात करें प्रतिलोम विवाह के बारे में तो उच्च जाति की महिला होगी और निम्न जाति की पुरुष होगा मतलब उसका अपोजिट हो गया प्रतिलोम अब मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को मैंने पढ़ा भी रखा बता भी रखा है देखो आ सबसे पहले अक्षर अच्छा आता है और आप सभी लोग जानते हैं आज के आधुनिक समय में जो है महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है सशक्तिकरण में बढ़ावा दिया जा रहा है उनका बे, बेसिकली सर्वांगीण विकास किया जा रहा है आप सभी लोग जानते हैं महिलाओं को ऐसा हो रहा है लेकिन जब महिला नीचे रहेगी तो फिर फायदा कहाँ हुआ फिर कहाँ सशक्तिकरण हुआ अनुलोम आ पहले अक्षर आता है इसलिए महिला को भी पहले लाइए तो आप यहां पर यह सोचिएगा कि महिला नीचे है महिला क्या है नीचे है इसलिए अनुलोम है इसलिए अनुलोम है तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि जहां आप पहले आ रहा है वहां महिला को नीचे रखा जा रहा है वहां महिला को क्या रखा जा रहा है नीचे रखा जा रहा है तो जब आप महिला को निम्न जाति बना देंगे तो आप ऑप्शन में आसानी से निकाल लेंगे कि अनुलोम विवाह ये है और ठीक इसका ओपोजिट कर देना उल्टा कर देना कि महिला जब उच्च जाति की होगी पुरुष निम्न जाति का होगा वो प्रतिलोम हो जाएगा ठीक है तो केवल एक याद रखिए और इससे आपका दूसरा याद हो जाएगा इंपॉर्टेंट तो है क्लियर तो हो गया होगा आपको है ना तो चलिए अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया जरा एक बार मुझे कंफर्म करिए मैंने अभी तक दो टॉपिक चीजें बताया है आप लोगों को याद हो गया अगर नहीं याद हुआ तो आप पूछ सकते हैं चलो बहुत अच्छी बात है आपको याद हो गया चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में हम उन अधिनियम के बारे में याद करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और मैं ज़्यादा अधिनियम नहीं बताऊंगा आप लोगों को हालांकि मैंने बहुत सारे अधिनियम ले रखे हैं मैं सारे अधिनियम के बारे में जिक्र नहीं करूंगा पीडीएफ आपको दे दूंगा आप उसे देख लेना मैं कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम के बारे में बात करूँगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहला अधिनियम इसको आप नोट कर लीजिएगा हिंदू विवाह अधिनियम ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है हिंदू विवाह अधिनियम कब आया है तो 1955 सौ ये आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में प्रश्न मिलता है सम्मिलित करने के लिए या तो आपसे प्रश्न मिलता है कि आप क्रम में लगाइए जब आपको वर्ष ही पता होगा तभी आप कर पाओगे जब पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे कर पाओगे तो हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में बात करूं तो उन्नीस आप इसको सबसे पहले याद रखना होगा ठीक आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर उसके बाद आपको याद रखना है आपने नाम सुना होगा सी ए आर ए के बारे में है ना भली भांतिक तरीके से परिचित होंगे आप सभी लोग इससे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के बारे में बात अगर कभी किया जाए प्रश्न में तो आप तुरंत इसको 1956 याद रखना और 1955 के बाद 1956 याद रखेंगे तो उसके साथ साथ हिंदू हिंदू जो है उत्तराधिकार अधिनियम भी याद रखना 1956 ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं एक बार ज़रा मुझे कन्फर्म करिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और याद भी होंगी ऐसी बात नहीं कि याद नहीं होगा याद भी होगा मैं याद ही करवा के जाऊंगा जितने भी अधिनियम आप लोगों को मैं बताऊंगा उतने भी अधिनियम आपको सारे के सारे मैं लर्न करवा, करवा के दे जाऊंगा आप सबका ठीक है भाई सारे अधिनियम याद करवा के जाऊंगा आप सबका तो मैंने आप लोगों से पहला एक अधिनियम बोला है आप लोगों को याद है पहला अधिनियम मैंने बोला यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब है तो उन्नीस है और अगर आपसे कह रहा हूं कि हिंदू दत्तक ग्रह अधिनियम कब है तो 1956 है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पूछ रहा है तो 1956 है अगर हम बात कर रहे हैं विशेष विवाह अधिनियम को लेकर तो ये सुमलित को लेकर सॉरी क्रम को लेकर पूछा गया प्रश्न है तो विशेष विवाह अधिनियम जो है उन्नीस है आपका और विशेष विवाह अधिनियम एक आपका आता है एटीन का भी लेकिन एटीन वालों को प्राथमिकता आप लोगों को नहीं देना है आप सभी को आपको देना है विशेष विवाह में हाँ जी क्या बोल रहे थे आप फिर से दोबारा से रिपीट करिए मैंने सुना नहीं कुछ बोला है आपने विशेष विवाह क्या है देखो तो विशेष विवाह के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो विशेष विवाह जो बेसिकली क्या होता है ये जैसे किसी चीज़ को स्पेसिफिक कहने का मतलब ये हुआ कि इस विवाह में साहचर्य की बात करता है एक प्रकार से अंतर जात विवाह को कहते हैं हम लोग विशेष विवाह अगर हम बात करें तो यहाँ हम ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यह बेसिकली जो है आपका अंतरजात विवाह के अंतर्गत आ जाएगा जिसमें अंतर धार्मिक और अंतर विवाह को पंजीकरण करने का मान्यता प्रदान करता है धार्मिक औपचारिकता का निर्वाहन करता है ऐसा बेसिकली विशेष विवाह के ही अंतर्गत जिक्र किया जाता है इसमें दोनों पक्षों को अपनी सहमति से सक्षम होना चाहिए और वयस्क को अपने फैसले लेने में सक्षम होना चाहिए ये बेसिकली विशेष विवाह का प्रावधान बताता है या विशेष विवाह के बारे में जिक्र करता है ठीक है तो इसके तहत जो विवाह होता है वो इच्छुक पक्षों के लिए एक अनिवार्य माना गया है एक अनिवार्य माना गया है ये बात ध्यान रखेंगे इसमें पुरुषों की संख्या कम से कम 21 वर्ष महिलाओं की संख्या कम से कम 18 वर्ष होती है तब उसको हम बोलते हैं ये विशेष विवाह है उन्नीस का क्लियर हो गया आप लोगों को बताइए जरा एक बार <दिवाग> तो तो ये आपका विवाह कई होते हैं गांधार विवाह होता है कल्याणी विवाह होता है विवाह तो कई होता, होता, होता है उधर मत जाइए है ना ठीक है विवाह कई टाइप के होते हैं ठीक है आप उधर ना जाएं कंफ्यूज हो जाएंगे कल्याणी विवाह क्या होता है कल्याण हो गया बस कल्याणी विवाह ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए है ना तो बस यहाँ पे अधिनियम आप ये सोच लीजिए एक बार ठीक है ऐसे फनी वे से बोला है मैंने ऐसे याद मत करना ऐसे कल्याण होता तो कल्याण विवाह हो गया ठीक है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उन्नीस का हो जाएगा आपका और जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 का हो जाएगा और विशेष विवाह अधिनियम जो हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा कि ये बात आपको ध्यान रखना होगा 18 और 21 की आयु भी ये भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा ये चीज़ें इसमें आगे बात करते हैं पारसी विवाह और विशेष विच्छेद विवाह आप लोगों ने जब मैं प्रश्न करवा रहा था अगर याद आ रहा होगा तो ठीक है नहीं याद आ रहा है तो इसको ध्यान से समझ लीजिए पारसी विवाह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये उन्नीस का है और अगर हम बात करते हैं विवाह विच्छेद अधिनियम के बारे में तो ये भी अट्ठारह का हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम सॉरी हिंदू मुस्लिम बोल रहा हूँ मैं मुस्लिम विवाह विच्छेद के बारे में बात करता हूँ तो उन्नीस हो जाए बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा चलो मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कराता हूँ ये चीज़ें मैं याद करवाऊँगा आप लोगों को मैंने आपसे बोला था कि भाई अच्छा चलो ट्रिक बनाते हैं आप लोग ट्रिक बनाने की कोशिश भी करना हिंदू अगर हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम तो हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में बात मैं कर रहा हूँ तो 1955 है 55 55 मतलब आप ये समझ लीजिए कि हिंदू में क्या होता है कि जब वो पचपन साल के लोग हो जाते हैं तो बुजुर्ग व्यक्ति को क्या हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है भाई हाइपर वाले एक्टिविटी बेसिकली ऐसे लोग का कहना है लोगों का मानना है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे होते हैं लोगों का मानना है कि भाई वो हाइपर होना शुरू हो जाते हैं जब उनकी एज धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जाना शुरू होती है तो हिंदू में पचपन की आयु में ऐसा कंडीशन होती है ठीक है तो जब ऊट पटांग बिहेवियर करेंगे तो साइड से बात है विवाह करने के बारे में सोच सकते हैं ऐसे में तो आप ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वाला जो होता है वो बेसिकली हिंदू विवाह अधिनियम में 1955 सौ साल का व्यक्ति हो गया और फिर भी वो शादी करने की सोच रहा है क्योंकि वो उग्र जैसा बिहेवियर करता है ऐसी कंडीशन उसके विचार आ रहे हैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ ठीक है याद करने के लिए तो एक ऐसे बना सकते हैं अगर हम बात करते हैं हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण को लेकर उन्नीस तो अब जाहिर सी बात है जब विवाह कर लिया तो उसका मतलब सब कुछ ओके हो गया पचपन के बाद छप्पन है ना ऐसे आप याद करें फिफ्टी फाइव के बाद फिफ्टी सिक्स तो आप उसको ईजिली याद कर सकते हैं कि भाई हाँ चलो क्या हुआ सक्सेस हो गया फुल हो गया तो सारी चीज़ें जो होती है उसकी फुलफिल हो गई तो ये उन्नीस हो गया हिंदू को लेकर बात अभी कर रहा हूँ बस केवल हिंदू को के लेकर बात कर रहा हूँ ताकि हिंदू में जो दो तीन चीज़ें आ रही हैं वो आपका क्लियर हो जाए हिंदू अगर उसके बाद उत्तराधिकार के बाद बात करता हूँ अब छप्पन में जैसे पचपन में शादी किया छप्पन में उसका पूरा सब कुछ फुलफिल हो गया जो भी मा उसकी नीड थी और उसके बाद छप्पन में ही फिर क्या होता भाई हिंदू उत्तराधिकार अब ये सोच रहा है कि यार ऐसे में अब उस कोई तो अगर मैं भाई दब्य संसार में जिसका जन्म हुआ है उसको तो भाई मरना तो तय है तो उसके लिए कोई उसका राजपाट वगैरह चलाने के लिए उसका घर चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी भी चाहिए इसका विचार करने लगता है अब फुलफिल हो गया शादी हो गई तो विचार करने लगता है उत्तराधिकार के बारे में सोचने लगता है तो ऐसे में ये उन्नीस में ही करता है जब वहां पर फुलफिल हो जाता है उन्नीस में उत्तराधिकार के बारे में सोचने लगता है वो व्यक्ति फिर क्या करता है कि अब छप्पन के बाद चौवन आ गया तो पीछे चला गया ठीक है यहां पर अगर हम बात करें तो ये तीन चीजें आपको याद हो गई होंगी हिंदू से बताइए हिंदू को ये तीन बातें याद हो गई हिंदू का पचपन छप्पन छप्पन

तो आगे अगर आप लोगों को भी कोई ट्रिक अगर मन में आ रहा होगा तो आप बता सकते हैं मैं इमीडिएटली बना रहा हूं अगर जितना मेरा माइंड काम कर रहा है उतना तो ठीक है भाई बाकी अगर आप लोगों को भी आता है ट्रिक तो आप बता भी सकते हैं मुझे आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट विशेष विवाह की बात होती है फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक विशेष विवाह अधिनियम के अच्छा ये तो आप इसको मत पढ़िए इसको आप छोड़ दीजिए विशेष विवाह के बारे में ठीक है केवल विशेष विवाह अधिनियम पहले वाले को याद रखिएगा यहाँ यहाँ पर उन्नीस ठीक है चौवन को याद रखिएगा बाद मतलब 19 को मॉडिफिकेशन किया गया है 1869 का लेकिन 69 नहीं पूछता है वो आपका 54 वाला ही पूछता है है ठीक अब देखो एक विशेष विवाह था एक पारसी विवाह था और आपका एक जो था हिंदू जो है एक सॉरी यहां पर जो है विवाह विच्छेद था और उसके बाद एक मुस्लिम विवाह विच्छेद था ये चार विवाह के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा देखिए पहले क्या हुआ पहले हम थर्टी uh, सिक्स को याद करते हैं थर्टी सिक्स क्या हुआ पारसी विवाह और विवाह विच्छेद मतलब जो पारसी लोग होते हैं पारसी लोग और वो लोग क्या करते हैं विवाह करते हैं और विच्छेद भी मतलब वो तलाक भी ले लेते हैं तो विवाह करना और तलाक लेना ये क्या करते हैं छत्तीस अब ये जानते हैं आप सभी लोग जब हर एक व्यक्ति के अंदर छत्तीस का आंकड़ा होगा थर्टी सिक्स का आंकड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उनकी तो बनेगी नहीं बनेगी कभी छत्तीस का आंकड़ा आप लोगों ने सुना होगा भाई व्यक्ति के अंदर बड़ा छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है उसके अंदर हम मेरा जो है उससे छत्तीस का आंकड़ा होता है ऐसे आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है तो जब ये छत्तीस का आंकड़ा होता है तो आप समझ लेना कि जाहिर सी बात है वहां पे तलाक होगा अलगाव होगा विवाह करना अलगाव होना ये क्रियाविधि एक में ही आ जाएगी और ये क्रियाविधि छत्तीस का आंकड़ा केवल फारसीयों में चलता है अब फारसी में क्यों क्योंकि भाई आप हिंदी बोलते हैं फारसी वाले भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे फटाफट तो छत्तीस आंकड़ा ना भाई उसे इंग्लिश आती है मुझे हिंदी आती है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए है ना तो फारसी में जो फारसी में बोलेगा और जो हिंदी वाला रहेगा जाहिर सी बात है छत्तीस का आंकड़ा होगा इसलिए आप इसको कहेंगे यह आपका हो जाएगा छत्तीस का आंकड़ा फारसी विवाह के साथ और विवाह विच्छेद के साथ तो वो विवाह भी करेंगे और अलग भी हो जाएंगे छत्तीस हो गया आपका एक कैप्ट यहाँ पर क्लियर आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विशेष विवाह को लेकर चौवन चौवन को कैसे याद करेंगे नाइनटीन फिफ्टी फोर को कोई बताना चाहेगा मुझे चौवन को याद करने का तरीका कोई कोई भी ट्रिक बता सकता है आप लोग चौवन क्या हो सकता है विशेष विशेष विवाह विवाह का मतलब ये हुआ आप यह समझ लीजिए कि फारसी विवाह जब हुआ ये है ये ना विशेष विवाह मतलब है कोई एक्स्ट्रा नहीं मतलब आयु मतलब पचास के बाद शादी करना पचास के बाद शादी करना ऐसा आपका स्टेटमेंट है चलो कोई बात नहीं देखो अब मैं अब अब मैं आपको बताता हूँ विशेष विवाह क्या था विशेष विवाह का मतलब ये होता है कि भाई जाहिर सी बात विशेष विवाह वही होगा जब लड़की अट्ठारह वर्ष की होगी और लड़का इक्कीस वर्ष के होगा ये विशेष विवाह होगा अगर मान लीजिए लड़की कम एज की होगी तो फिर विशेष विवाह कहाँ हुआ तो फिर तो ये तो अधिनियम के अलग चला गया ना उसका तो कानून का उल्लंघन कर दिया ये तो विवाह बेसिकली अगर हमें याद करने के ये ये ट्रिक ट्रिक भी भी बना सकते हैं वाली सबसे अच्छी लग रही है मुझे कि विशेष विवाह हम उन्हीं को कहेंगे जो सही तरीके से होगा स्पेशल नहीं कहते स्पेशल हो स्पेशल कब हो है? जब वो व्यक्ति सही तरीके से कोई काम करता है विशेष विवाह मतलब उन्नीस साल की लड़की या चौवन साल का व्यक्ति विवाह हुआ उन्नीस चलो जैसे भी ट्रिक होगा आप अपने तरीके से याद कर लीजिए ठीक है उन्नीस साल का लड़का और उन्नीस साल की लड़की चौवन साल ऐसे कैसे चलो एक तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा है ना ऐसे अगर मैं बात की जैसे आपको याद हो याद होना चाहिए बस भाई मेरा उद्देश्य यही याद होना चाहिए ठीक है ठीक है तो ये या आपका याद रखिए विशेष वैसे ज्यादा से ज्यादा अट्ठारह वर्ष की लड़की हो इक्कीस वर्ष का लड़का हो और ये बात भी कही गई है इसी अधिनियम में मैं बता देता हूँ इस बात को भी बात कही इस अधिनियम में ये बात भी कही गई है वही विशेष में हुआ है ना। है ना सिंह जी ने साल छोटी वो तो चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आगे हम एक और याद करते हैं यहाँ पर याद हो गया मुस्लिम विवाह के बारे में बात करते हैं मुस्लिम विवाह है नाइनटीन का अब मुस्लिम विवाह 1939 का करते हैं तो कैसे याद रखेंगे इसको मुस्लिम विवाह को सर सर इसमें इसमें ऐसे कर सकते हैं हाँ। इसमें थ्री है सर तीन तलाक के लिए वेरी गुड़, वेरी गुड वेरी गुड बहुत साबास। ये बहुत बढ़िया ये अच्छा मेरे माइंड में भी ये बात नहीं आ रही थी शाबाश यहाँ पे तीन तलाक के बारे में कोई अगर बात हुई है तो मुस्लिम विवाह में भी हुआ है वेरी गुड यही आपका सही जवाब हो जाएगा फिर तीन तलाक वाला आप सोच लेना कि आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम विवाह का नाइनटीन का ठीक है तो ये आपको याद रखना होगा एक विशेष विवाह को यहाँ पर याद करवा दिया उन्नीस सौ चौवन जहाँ पे एक स्पेशल होगा स्पेशल होगा वो जो अट्ठारह इक्कीस वर्ष की लड़की होगी छत्तीस का आंकड़ा होगा तो विद्रोह मतलब एक प्रकार से विच्छेद हो जाएगा फारसियों में क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा है और लड़की जो है हिंदी वाली है इसलिए वहाँ पर छत्तीस का आंकड़ा हो गया है तो आप शादी विच्छेद हो जाएगी और उसके बाद आपका मुस्लिम विवाह ये आपको याद बस इतना अधिनियम आपको याद मैंने इतनी ट्रिप बताया अब भूलना मत रिपीट कर लेना क्लास समाप्त होने के बाद एक बार और ठीक है आगे बात करता हूँ ईसाई विवाह बेसिकली नहीं पूछा गया प्रश्न है और ना ही भारतीय अच्छा देखो हम बात करते हैं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में ये 1925 में लाया गया था लेकिन ये भी प्रश्न नहीं पूछा गया है ना इसको छोड़ दीजिए आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पर और यहाँ पे जो है संविदा अधिनियम जो है 1872 का है और भागिता अधिनियम भी 1872 का है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका प्रांतीय शोध की बात किया जा रहा है शोध जो है आपका क्षमता अधिनियम है 1920 वाला ये भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं ठीक है और न्याय अधिनियम आपको पता होना चाहिए न्याय अधिनियम उन्नीस सौ न्याय अधिनियम उन्नीस ये आपको ध्यान रखना है बाकी यहां पर कोई भी यहां जो है इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी आप लोग देख लेना मैं पीडीएफ आप सबको दे दूंगा आगे बात करता हूं अधिवक्ता अधिनियम के बारे में बात करो तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है भाई आप टेंशन मत लीजिए मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आप लोगों को एग्ज़ाम में कर सके आसानी से अगर ऑप्शन में दंड प्रक्रिया संहिता भी आ जाता है तो भी आप आसानी से कैसे निकाल लेंगे क्योंकि जब आपको तीन दो पते होंगे पता होगा तभी आप लगाएंगे कॉमन सेंस से तो क्यों सारा पढ़ना है ना जो ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है जो ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पढ़ते हैं हम लोग मध्य प्रदेश वाले बच्चे जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब मध्य प्रदेश आएगी क्लास तो मैं इसको पढ़ाऊंगा ये आर्टिकल्स मध्य प्रदेश से संबंधित है ठीक है तो इनको जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जो यूजीसी वाले बच्चे हैं वो और उत्तराखंड वाले जो बच्चे हैं उसको नहीं याद रखना है आपराधिक अधिनियम यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए आगे बात करते हैं आय अधिनियम के बारे में इसे भी छोड़ दीजिए वस्तु स्थायित उद्योग अब इसको आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए आप लोग कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो उन्नीस है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया है उन्नीस आया है इसे आप लोग ध्यान रख लीजिए ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको मिलेगा इसको तो आप लोग स्टार लगा लीजिए ये वाला आपका सही हो जाएगा ठीक है इसको तो स्टार लगा लीजिए ये वाला आता है एग्जाम में पूछा जाता है ये तो पता भी होगा आप लोगों को है ना आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना ही आपका प्रतिभूति अधिनियम भी इम्पोर्टेंट है ना ही ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है और प्रतीक का नाम ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रशिक्षुक अधिनियम ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और मिल गया हम सभी को लिए और ये प्रश्न है आपके सामने बोनस अधिनियम को लेकर है ना बोनस अधिनियम कब लाया गया था बोनस भुगतान अधिनियम कब हो तो ये आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा बोनस भुगतान अधिनियम है ना ठीक है भाई बोनस भुगतान अधिनियम बताइए जरा एक बार क्लियर हुआ उन्नीस सौ पैंसठ है हाँ बोनस की गणना के थीक बारे में इसमें जिक्र किया गया उन्नीस सौ पैंसठ ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया उन्नीस आया छियासी में आया बोनस भुगतान अधिनियम कब आया उन्नीस आया। की जरूरत है, कि मैं आगे आप बताएंगे तो इसमें है नहीं तीन ही है मैं इसको ट्रिक्स भी बता सकता हूं बताइए फिर आगे चले आगे चले फोर्टी सेवन जी क्या करें फोर्टी सेवन में विवाद अच्छा हाँ बताइए ये 47 में विवाद हुआ सर फैक्ट्री में औद्योग में विवाद हुआ 47 और उसके बाद फैक्ट्री एक्ट आया था सर 48 में ट में हाँ फोर्टी एट में फैक्ट्री एक्ट भी आया अभी वो आगे आपको आएगा पहले 1900, हुआ, हाँ, हाँ, पहले विवाद विवाद हुआ उससे फिर उससे हाँ, हाँ, ऐसे भी बिवाद याद बिवाद कर सकते वेरी गुड ये भी अच्छा ट्रिक था इसी तरीके से आप लोग भी अपने नॉलेज को शेयर भी कर सकते हैं जैसे इनका कहना था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस में आया तो उन्नीस में क्या हुआ फोर्टी का नाम सुना होगा ना ए फोर्टी सेवन और जैसे ही ए फोर्टी सेवन आता है तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ पे लोगों में क्या हो गया हलचल हो गया और विवाद हो गया और जब विवाद हो गया तो वो हुआ कहाँ पे फोर्टी चलाया कहां गया था? वो चलाया गया गया था? था वो किसी कारखाने में और वो आ गया आपका जब कारखाना तो कारखाना आ गया विवाद हुआ हम बात करें यहां पर आप जरा बताइए इसका भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बताएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का ट्रिक बताएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोलिए संरक्षण की आस आस रहती सब। हु, हु. आसी, आसी रहती रहती हम्म हम्म संरक्षण अच्छी थी? बात है अच्छी बात है ठीक है जब आप किसी आ, अगर मान लीजिए अगर मैं उपभोक्ता संरक्षण की बात कर रहा हूँ किसी व्यापार की बात कर रहा हूँ और उद्योग की बात कर रहा हूं ताकि लोगों का शोषण ना हो सके और अपने अधिकारों को और हितों को बचा सके ये बहुत अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छा अच्छा शिक्षा आप ऐसे भी कह सकते हो अच्छा से छ तो संरक्षण संरक्षण तो संरक्षण से च्च, तो संरक्षण से छह आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे भी ठीक है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बोनस बोनस को जरा बताइए आप लोग बोनस तो क्या हो सकता है छह और पाँच ग्यारह होते हैं और ग्यारह मतलब एक ज्यादा मिल रहा बोनस मिल रहा है छह पांच, पांच ग्यारह बोनस नहीं नहीं ये बोनस छः पांच ग्यारह होता तो है लेकिन कुछ ऐसा हजम नहीं हो रहा है और कोई बताइए और कोई दूसरा लगाइए दिमाग थोड़ा सा हटके लगाइए और भी कुछ और हट के। पे, 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 में एक युद्ध हुआ था तो उसके बाद आए सैनिकों को उनको बोनस दिया गया बोनस दिया गया अच्छा <laughs> पाकिस्तान से बोनस भुगतान बोनस भुगतान बोनस देखो अब मैं एक चीज बता देखो बोनस अगर हम बात करते हैं बोनस एक शब्द सोच रहे हैं आप सभी लोग जैसे कि ए, किसी को पैसे देना आप ऐसे सोच रहे हैं पैसे किसको आप भुगतान करेंगे बोनस किसको देंगे जिनकी उम्र साठ पैंसठ या पैंसठ प्लस होगी उसी को देंगे आप या साठ से प्लस जब किसी को होता है एज वगैरह तभी तो पैसे हम देते हैं बोनस में भाई उनकी एज हो गई है इसलिए हम उनको बोनस दे रहे हैं क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे तो आप ऐसे में इसको इस तरीके से रखिए कि बोनस भुगतान का अधिनियम जो है उसकी पैंसठ साल की जो उम्र हो गई है उसी को दिया जाता है बोनस सभी को बोनस नहीं मिलता है पैंसठ साल जिसकी उम्र होती है उसी को मिलता है बोनस बोनस ऐसी को मिलता है ना तो इस तरीके से आप याद रखना संरक्षण छः से ए के फोर्टी सेवन जो है और दो यानी विवाद हुआ फोर्टी सेवन में और फोर्टी सेवन से जैसे शब्द से सुन रहे हैं आप लोग भाई ये कैसी चीज़ है जहाँ पे क्या हो रहा है विवाद हो रहा है विवाद हो कहाँ रहा है कर्मचारी में फोर्टी एट में एट में विवाद हो गया फोर्टी सेवन फोटी के बाद उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति रिटायर हो गया रिटायर होने के बाद आप ऐसे भी कह सकते हो उसे बोनस मिलने लगा उन्नीस में तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं तो ये चार्ट यहां से भी आपको याद एग्जाम में अब आपको मिलेगा ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पर ये चीजें होती हैं है ना अब देखो मुझे कंपनी अधिनियम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं उन्नीस में संशोधन है 1913 का मैंने आप लोगों को कई बार बताया तो ये तो मुझे ट्रिक बताने की जरूरत भी नहीं है है ना आप लोगों को पता होगा ये तो अट्ठारह हो गया ये सब पता होना चाहिए बेसिक चीजें थोड़ी सी और, और कंपनी अधिनियम के बाद बात किया जाए जो है धारा 25 के अकॉर्डिंग 1956 सौ छप्पन में उन्नीस सौ उनहत्तर में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जब किया गया था तो उस समय तो उसका पंजीकरण किया गया था नाइनटीन में और उस समय उसकी अध्यक्ष बनी थी श्रीमती दुर्गा बाई दुर्गा दुर्गाबाई देशमुख दुर्गा भाई देशमुख ठीक है ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस चीज को लेकर आगे बात करते हैं कराधान अधिनियम ये आप छोड़ दीजिए ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए ये भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत कर देता है ये दो चीज़ें तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम आप लोगों ने देखा है कई बार एग्जाम में आता है मैंने आपको करवाया भी है कर्मचारी भविष्य अदि, निधि अधिनियम जो है आप उन्नीस को याद रखिएगा कर्मचारी अभी शायद नितिन जी ने बताया है किसी ने बताया है अभी कि इसकी ट्रिक फोर्टी सेवन फोर्टी एट को लगा देना तो यही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है ठीक है तो ये आपका फोर्टी हो जाएगा और ये तो आपको पता हो गया इसलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ और ये बाकी याद नहीं कारखाना अधिनियम भी आप कह सकते हो इन्होंने कारखाना अधिनियम को भी उस तरीके से बताया कि कारखाना में ही होता है ये भी बेसिकली फोर्टी एट का ही है तो ये भी आप लोगों को पता होगा कर्मचारी और कारखाना और औद्योगिक विवाद ये सभी के सभी एक जगह हैं सभी से पहले विवाद हुआ फोर्टी में और विवाद हुआ कारखाना में कारखाना में कौन कौन से लोग थे कर्मचारी लोग थे जो बीमा करवा नहीं रहे थे सही तरीके से उसी समय उसमें विवाद हो गया था ठीक है तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं ये फोर्टी को ठीक है ये क्लियर हो गया होगा अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा ये तो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है केंद्रीय बोर्ड राजस्व ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दीजिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम जो है 1972 का इसे अभी आपको याद करवाऊंगा और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है चार्टर अकाउंट अधिनियम भी और जल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है डिज़ाइन भी इम्पोर्टेंट नहीं है धर्मार्थ ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है धर्मार्थ दान भी इम्पोर्टेंट ठीक है बस इसको छोड़ दीजिए अब बताइए जरा यहाँ पर हमारे हमें याद करना है एक आप लोगों कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम उन्नीस का एक याद करना है कर्मचारी भविष्य निधि और एक याद करना है ग्रेचुटी जरा मुझे बताइए पहले ये बताइए कर्मचारी क्षतिपूर्ति का ट्रिक बताइए कैसे होगा कर्मचारी क्षतिपूर्ति का अधिनियम उन्नीस वाला कैसे ट्रिक याद रहेगा उन्नीस में आया हुआ था यह कर्मचारी क्षतिपूर्ति कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम उन्नीस सौ तेईस बताइए कैसे लाया गया क्षतिपूर्ति अधिनियम उन्नीस सौ तेईस बताइए नहीं बता पाए आप लोग है कि नहीं आवाज में लेफ्ट तो नहीं कर गया क्या भाई हो तो ठीक है ठीक है ठीक है चलो मैं बताऊं फिर अब देखो मेरे मन में एक ये विचार आ रहा है याद करने का तरीका में कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति तो क्षतिपूर्ति जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सामाजिक सुरक्षा कल्याण संबंधी कानून जिसका उद्देश्य होता है कर्मचारियों को सुरक्षित करने की बात करता है सुरक्षित करने की बात करता है अगर हम बात करते हैं धारा नंबर तीन के बारे में धारा नंबर तीन कहता है कि नौकरी के दौरान हुई दुर्घटना अगर दुर्घटना में व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाता है तो कर्मचारी को क्षतिपूर्ति दी जाएगी अगर धारा नंबर तीन बोलता है धारा नंबर तीन क्या बोलता है धारा नंबर कर्मचारी क्षतिपूर्ति का ये बोलता है कि अगर कोई काम कर रहा है व्यक्ति ऑन ड्यूटी अगर उसको 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 अगर कोई हानि होती है तो वो सारा कारोबार कौन देखेगा कंपनी देखेगा तो तीन में ही एक ऐसा अधिनियम है जब आप कहीं काम करेंगे तीन से क्षतिपूर्ति आपकी पूर्ति की जाएगी यह अधिनियम की धारा है आपको मैं सारा अधिनियम अगर आपको याद करवाता तो आप लोग कंफ्यूज होते बट आपको मैं सारा तो याद ही नहीं करवा रहा हूं तो कंफ्यूज होने का कोई जिक्र बात ही नहीं होती है कि क्षतिपूर्ति आपकी अगर बात करता धारा नंबर तीन में क्षति या तो दूसरा ट्रिक ये भी बना लीजिए कि दो उन्नीस लिखा हुआ है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री या सिक्स दो तीन छतिपूर्ति तो आप ऐसे में तो शायद दिमाग दूसरी तरफ चला जाए लेकिन मल्टीप्लाई ना करके इसको रीजनिंग ना लगाकर आप ये सोच लीजिए कि तीन की धारा जो है यह सही सही लग रहा मुझे बाकी आप लोगों को अगर कोई आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं क्लियर हुआ याद हुआ कि नहीं याद हुआ पहले यह बताइए कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम उन्नीस याद हुआ कि नहीं है याद क्यों होगा क्योंकि आप धारा नंबर तीन की बात कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं भाई कहीं पर अगर आपको कोई हानि पहुंचती है तो आपकी भरपाई कौन करेगा कंपनी वाले करेंगे ना तो वो कर्मचारी क्षतिपूर्ति के बारे में बात किया गया तीन तीन में ठीक है बात समझ में आई बोलिए नहीं याद हुआ बोलते भी तो नहीं है यार आप लोग सर कोशिश कर कोशिश कर रहे हो अच्छा चलो ठीक है तो कोशिश यहाँ पर जो होगा ये आपका सही हो जाएगा उन्नीस वाला अगर हम बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में भविष्य निधि का मतलब होता है आप सभी लोग फंड वगैरह को लेकर उसके और प्राकरण उपबंध है जो है अधिनियम के बारे में बात करता है ये तो मैंने आपको बताया भी है याद भी होना चाहिए आप सबको भविष्य की बात होगी भविष्य की बात कहाँ पर होगी बताइए भविष्य निधि कर्मचारी के भविष्य के बारे में सोचना है हमें बोलिए जरा इसकी ट्रिक के बारे में थोड़ा सा आप सभी लोग थोड़ा सा अपना भी विचार दीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को भी याद करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आप सोच भी रहे होंगे इसके बारे में थोड़ा सा रीजनिंग कर रहे होंगे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम बताइए आप जानते होंगे भविष्य निधि के बारे में फंड होता है जहां पर आप सबको पता होगा कि की प्रोविजन प्र, जो लोग मान लीजिए काम कर रहे होंगे लिमिटेड कंपनी वगैरह में या कहीं जॉब कर रहे होंगे उनका पीएफ कटता होगा पीएफ कटता होगा पीएफ जानते होंगे आप सभी लोग आपके सैलरी का कितना परसेंट करता है शायद बारह परसेंट करता है है ना सैलरी का बारह टेन परसेंट करता है टेन परसेंट टेन परसेंट करता है अच्छा एनपीएस 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 होता है है रहता अच्छा अच्छा तो नहीं तो ये आपका बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसमें तो वेतन का बारह प्रतिशत जो होता है भविष्य निधि में जमा करी जाती है ए, ए, उसमें और इसके नियोजता अच्छा, के होता है पीएफ हाँ, पीएफ हाँ, अच्छा, तो, हाँ, अच्छा और आपको अगर मैं बताऊं तो कर्मचारी जो बेसिकली होता है भविष्य निधि में उसके प्रावधान को अधिनियम के तहत जो है उन्नीस के तहत इसमें कुछ बात कही गई है तो संस्था में कुछ ऐसे कर्मचारी जो है जो है काम वगैरह करते हैं उसके बारे में बात किया गया है तो बावन बावन का मतलब ये आप बल्ले बल्ले शब्द नहीं आया भाई जिसका पी एफ कट रहा है उसका तो वही बल्ले बल्ले है फिर तो है ना बावन बल्ले आप ऐसे याद कर लीजिए भाई बल्ले बल्ले का मतलब ओके ओके अच्छा अच्छा है ना तो एक ट्रिक है बावन बावन ऐसे आप थोड़ा सा हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में ही सोचना है इंग्लिश में कोई ट्रिक भी नहीं बना रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में सोचना होगा तो आप बावन को वहाँ पर फिफ्टी टू मत दिमाग में डालना आप सोचना बावन इसको बोलते हैं फिफ्टी टू को बावन बोलते हैं तो बावन बावन ही आपको याद रखना बल्ले बल्ले अब बल्ले कब होता है आपका जब आपकी कोई सैलरी जो है भविष्य के लिए कोई रखी जाए सैलरी तब तभी तो आपको ओके होगा अदरवाइज कैसे होगा भाई पैसे बचा के रखोगे आजकल पैसे ही सब कुछ होता है तो पैसे बचा के रखिए इसलिए भविष्य निधि के बारे में अगर बात करिए भविष्य के बारे में सोचिए तो जब आप सोचेंगे जब पैसे जहाँ पे रखते हैं वो बावन में रखते हैं बावन बल्ले बल्ले ऐसे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं बाकी अगर आप लोग को कोई ट्रिक आता है तो आप लोग बताइए जो मेरा दिमाग काम कर रहा है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ एक, एक वो सकती का ना ना बावन। जी, हाँ है ऐसे भी आप कह सकते हो कि अगर आपके जो पी एफ कट रहा है जब बावन साल के हो जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे ये भी कह सकते हो ये भी आप याद करने का तरीका है आप जैसे भी याद कर ले है ना आपको याद करना चाहिए बस याद होना चाहिए कैसी भी तरीके से याद हो कर लीजिए आगे एक और अधिनियम के बारे में बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एक और आ गया ग्रेचुटी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अगर इसको बोला जाए ना जिसको बोलते हैं हम लोग उपा उपादान संदाय अधिनियम ग्रेचुटी को मतलब बोलते हैं उपादान क्या बोलते हैं उपादान और उपादान बोलते हैं या इसको हम कह सकते हैं संदाय अधिनियम संदाय अधिनियम भी बोल सकते हैं ग्रेचुटी मतलब संदाय होता है अच्छा अब जरा मुझे बताइए जो ये 1900 पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो एक्ट है उन्नीस का ये क्या है ये इसको कैसे याद करेंगे हम लोग कैसे याद रखेंगे बताइए जरा कोई भी व्यक्ति किसको आप इसको कैसे याद रखने की कोशिश कर रहे हैं बताइए जरा ये देखो अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड कंपनी में कम से कम पाँच साल तक नौकरी करता है और किसी कारणवश वह नौकरी जारी नहीं रखता है तो वह अपने नियोग्यता से ग्रेविचुटी के रूप में एक निश्चित धनराशि पाने का हकदार होता है मेरी बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर कोई कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं तो पाँच साल अगर आपने नौकरी कर लिया और किसी कारणवश आप आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप जब अपने मालिक को कहेंगे कि भैया अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूं तो वो कुछ ना कुछ आपको भुगतान देंगे पैसे देंगे अब वो नहीं देते हैं आजकल के लोग तो ये अलग की बात है लेकिन ऐसी बात कही गई है ग्रेचुटी ऑफ इसमें उपादान संदाय अधिनियम में ऐसी बात कही गई है बात समझ रहे हैं मेरी मैंने क्या बोला इतनी बात समझ में आई और ये बात सत्य भी है बात क्लियर हुआ कि नहीं और इसमें यह ग्रेची जो भुगतान अधिनियम उन्नीस है यानी 1972 है तो जब उसको पैसे मिलेंगे बहत्तर कैसे याद रखेंगे बताओ जरा एक बार बताइए चलो आप इसको इस ट्रिक को ऐसे ही याद रख लीजिए याद करने की जरूरत नहीं इसको ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है ना जब दिमाग मेरे काम ही नहीं कर रहा है कि भाई क्या बताऊँ इसमें है ना बाकी वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं तो मजदूरी भुगतान अधिनियम की बात होती है मजदूर भुगतान अधिनियम 1936 आप ध्यान रखना मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 ध्यान रखना आप लोग बाकी इसे छोड़ दीजिए इसे छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए ठीक है यहाँ पर कोई भी और इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है और आगे हम बात करते हैं इसमें जो है व्यापार अधिनियम ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है Important, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है ठीक नहीं है। पर केवल दो अधिनियम आपको आ रहे हैं इन दोनों को आपको ध्यान रखना बस जो सर, एक और आएगा यहाँ पे कौन सा आ, सर ये जो मजदूरी भुगतान अधिनियम है छत्तीस का हाँ और सर 1948 में आया था न्यूनतम मजदूरी भुगतान सर हाँ उन्नीस में न्यूनतम मजदूरी कहाँ आया था वो तो कर्मचारी बीमा अधिनियम था एक एक उन्नीस था अड़तालीस में उन्नीस सौ अड़तालीस है मैं सोचा ट्रिक बना रहे हैं आप उन्नीस वो है हाँ समझ रहा हूँ आगे फिर बताइए यहाँ मजदूरी भुगतान है वो न्यूनतम मजदूरी अच्छा

तो मजदूरी भुगतान अधिनियम जो है उन्नीस हो जाएगा मातृत्व लाभ उन्नीस हो जाएगा ठीक है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम उन्नीस का ही है ठीक है ये जो है बेसिकली भारत के अगर हम बात कर रहे हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में उन्नीस के बारे में ये आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है न्यूनतम वाला और जो आपका न्यूनतम मजदूरी होगा वो 48 होगा जो वहाँ पर मजदूरी का भुगतान होगा वो 1936 होगा ठीक है आप याद याद रखिएगा तो पहले भुगतान कर दिया पैसे तो दे दिया छत्तीस में ही लेकिन जब देखा व्यक्ति ने कि भाई अड़तालीस मतलब अड़तालीस आ गया उन्नीस सौ अड़तालीस आ गया छत्तीस चार फिर उसके बाद आठ चार बारह बारह साल बाद अड़तालीस आ जाता है तो अड़तालीस में देखा भाई उतनी पैसे दे रहा है वो जितनी न्यूनतम मजदूरी थी उतनी ही चल रही है तो मजदूरी का भुगतान अधिनियम अड़तालीस में आके कर देता है वो मतलब जो न्यूनतम दे रहा था वो वहां पर मजदूरी अड़तालीस में ठीक है सॉरी जो छत्तीस में दे रहा था वो आपका आके न्यूनतम में अड़तालीस में दे देता है ठीक है ये चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हैं ठीक है बाकी वो चीजें तो आपको पता ही होगा छत्तीस का आंकड़ा छत्तीस का आंकड़ा किसके अंदर हो रहा था फारसी वाले के बीच में हो रहा था और ए, महिला विच्छेद हो गया था छत्तीस का आंकड़ा ये भी याद रखना थोड़ा सा आप लोग क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा हाँ उन्नीस सौ इकसठ तो पता होना चाहिए यार ये तो याद है मैं जो तो क्या आप सबको याद होगा ये सारी चीजें तो मातृत्व लाभ अधिनियम उन्नीस सौ इकसठ यूनिक है दो तीन चीज़ें मिल जाती है तो यूनिक आप उसे थोड़ा सा अपने से भी याद करने की कोशिश करें है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदू वगैरह तो बता चुका हूँ बता चुका हूँ बता चुका हूँ ठीक है फिर बात करता हूँ तो यहाँ पे इस स्लाइड में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अगर यहाँ पर बात पूछा जा रहा है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के बारे में तो 1960 आप इसे ध्यान रखिएगा कितने अधिनियम हैं यार अच्छा समाप्त हो गया चलो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपका जो है अधिनियम समाप्त हो गया अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक आ, अच्छा इस इस इतना ही अधिनियम आप लोग अगर लिखे हैं कॉपी पर तो वो सभी के सभी आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रिक का ही आप प्रयोग करिएगा थोड़ा सा ठीक है पीडीएफ में अभी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा आप उस पर देख लेना अब हम थोड़ा सा किताबों के बारे में जिक्र करेंगे जैसे मैरी रिचमंड की तीन किताबें हैं आप लोगों को ध्यान रखना एक सोशल डायग्नोसिस उन्नीस की है वॉट इज सोशल केसवर्क एन इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्शनल के बारे में बात करता है लेकिन एग्जाम में यही पूछा जाएगा आप सबसे व्हाट इज सोशल केशवर्क तो 1922 का ये आपका करेक्ट हो जाएगा और फ्रॉम चैरिटी टू सोशल केशवर्क के बारे में अगर बात होता है तो भी ये बेसिकली आता है मैरी रिचमंड का ही नाम आता है ठीक है इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है इसका एग्जैक्ट कोई वर्ष नहीं था ये उन्नीस से लेकर उन्नीस के अट्ठाइस से लेकर इकसठ के बीच में इसका डेवलप हुआ है ठीक है ये चीज आप इसे ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ें होगी फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क में हो जाएगी ये तीन किताबें जो है मैरी रिचमंड की है ये से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है तीनों में से जरूर कोई ना कोई एक तो एग्जाम तो में पूछा ही जाएगा आप लोगों से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गार्टन हेमिटन के बारे में तो आप सबको मैंने पढ़ाया भी है बताया भी है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में ये इसका जो पुस्तक का नाम है गार्टन हेमिंटन इसकी किताब का नाम है ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेगा सोशल वर्क में है क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं थोड़ा सा जोम करूं बताइए दिख रहा है दिख रहा है सभी को दिखाई दे रहा भाई बता एक बार चलो फिर ठीक है अगर आपसे अगर मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं तो एक किताब का नाम आता है थ्योरी फॉर डायरेक्ट सोशल वर्क के बारे में ठीक है थ्योरी फॉर डायरेक्ट सोशल वर्क के बारे में अगर प्रश्न आता है तो आप यहाँ पे प्रोफेसर जोसेफ वाल्सस लगाएंगे लेकिन यहाँ पे वॉल्स का जो नाम है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और कोरन किरक जो यहाँ पे के किस्ट लिखा हुआ है ठीक है किस्ट आसम लिखा हुआ है लेकिन ये इम्पॉयमेंट सर्विस से संबंधित है ये भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में इनके भी नाम नहीं आएंगे ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं बहुत सारी किताबों का नाम मैंने लिया है अभी कौन कौन से आएंगे वो मिलेंगे आप सबको ठीक है ध्यान रखिएगा सभी लोग अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केस स्टडी इन जर्नलिस्ट के बारे में तो रॉबर्ट एफ रिवर्स का नाम आता है ठीक है केस स्टडी में तो हमने अभी तक तो कभी प्रश्न में देखा भी नहीं था और रॉबर्ट रेविस का नाम भी ऑप्शन में नहीं देखा है होली बिलियम के अगर जहाँ यहाँ पर बात कर रहे हैं हेली बिलियम के बारे में तो इनकी किताब का नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक ये एग्जाम में हो सकता है तो द बीरिंग ऑफ साइकोलॉजी ऑन सोशल केस वर्क ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है याद रखिएगा हेली बिलियम का नाम ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ किताबों के नाम में लेकर आया हूँ ये आप को भी दे दूंगा प्रोवाइड करा भी दूंगा यहाँ पर बात अगर हम करते हैं विंसो के बारे में विंसो एक नाम है ये भी इम्पोर्टेंट uh, ही है बजट प्लानिंग के बारे में बात करता है विंसो तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करना एक बार जरूर इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लेना इसका है ना एक बार इसे ज़रूर देखना आप सभी लोग और ये भी इम्पोर्टेंट है इसको भी आप इम्पोर्टेंट करिएगा और एक आप थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क के बारे में बात करें तो गार्टन हेमिटन का नाम भी आप थोड़ा सा इसको क्या करना ओके uh, okay करना है ना ये भी आपके लिए ओके okay होगा मैरी रिचमंड के बारे में मैंने बता चुका हूँ ये भी इम्पोर्टेंट ही है है ना मैंने बता चुका हूँ तो? आगे बढ़ते हैं तीन चार किताबों के नाम बताए क्लियर हुआ आप लोगों को जरा बताइए एक बार मुझे यहां पर मैरी रिचमंड हाँ। के बारे में एक और किताब यहाँ पर आ गई अच्छा जी तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों के अच्छा मैरी रिचमंड की एक किताब और जानते हैं आप लोग फ्रेंड विजिटर फ्रेंड विजिटर फ्रेंडली विजिटर भी बोल रहे इसी का मैरी रिचमंड का ही किताब है इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछता है किससे संबंधित है ये है ना तो ये पूछ लेता है अगर हम आगे बात करते हैं बिटमिन क्लाइंट एंड कम्युनिटी स्टडी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोशल केस वर्क के बारे में सोशल केस वर्क के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे तो बी सी रॉयल का नाम आता है रॉयल लैंड का नाम आता है तो कम्युनिटी का अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में बात आता है तो रो, रोश वगैरह का नाम आएगा अभी आएगा आगे ठीक है वहां पर आएगा लेकिन इसे छोड़ दीजिए अभी ठीक है अभी बहुत सारी किताबें हैं याद करवाना है मुझे ठीक है तो उसको छोड़ दीजिए आपने नाम सुना होगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोशल केस वर्क मैनेजमेंट के मॉडल के, के रूप में अप्रोच इन द सोशल वर्क ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है वरिलिक वरलिक का नाम आ रहा है वेटलीस वेटलिस वे, वर्लिक का नाम आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दीजिए इसको भी वीपी रॉबिसन का नाम आ रहा है रॉबिसन का, का नाम अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग फॉर स्किल ऑफ सोशल हाँ इसको आप कर लीजिए रॉबिसन का नाम है ना रॉबिसन का नाम आप इसको कर लीजिए इंपॉर्टेंट ठीक है और सोशल केस वर्क मैनेजमेंट का इसको छोड़ दीजिए आप ठीक है और आगे बढ़ते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क ये देखो नी का जो नाम आता है ये भाई जो उत्तराखंड के सोशल वर्कर के स्टूडेंट है ये लोग ध्यान रखें साइकेट्रिक सोशल वर्क ट्रांस ये देखो आप लोगों को लिए, मैंने जो कभी बार बताया भी है ट्रांस जो है ऑक्शनल केश के, जो केश बुक है वो किसके द्वारा दी गई है प्रश्न में ऑप्शन में आया हुआ है तो मैंने वहां पे समझाया है नी लिखा हुआ था केवल वहां पर तो आरनी का जो नाम आता है ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में ठीक है ये आपका लिए इंपॉर्टेंट है ये सब है ना ठीक है क्रिमिनिकल जो अगर हम बात करें क्रिमिनल के बारे में यहाँ पे देखो केस क्रिटिकल क्रिटिकल चैलेंजिंग सोशल वर्क इन कनाडा की बात हो रही है नहीं आएगा छोड़ दीजिए ये भी छोड़ दीजिए ठीक है मैरी रिचमंड जो है यहाँ पर क्या आ गया सोशल वर्क विथ फैमिली फैमिली हाँ फैमिली के ट्रीटमेंट के बारे में बात अगर कोई करता है तो मैरी रिचमंड ही करता है ठीक है एक किताब ये भी है मैंने मेंशन नहीं किया वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ें और भी किताबें हैं है ना दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को बताइए जरा समझ में भी आ रहा है ना कि ऐसा नहीं कि मैं बस बताते चला जा रहा हूँ आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा हो फिर मज़ा नहीं आएगा है कि नहीं क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि संडे है आज है ना बताइए आगे बात करते हैं सोशल वर्क एंड सोशल चेंज के बारे में आ, केस स्टडी इन इंडिया विला के बारे में तो एच एच जो है आपटे कर का नाम आता है एच एच कर का नाम आता है ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं द सोशल एंड स्पेसिक क्या लिखा हुआ ये पढ़िएगा जरा आप सभी लोग रीटा करके नाम आया है कुछ ठीक है इकोलॉजी ऑफ वर्क द केस ऑफ सर्वे रिसर्च नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दीजिए ठीक है इसको छोड़ दीजिए ठीक है भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं बत, क्लियर हाँ, हाँ, हो रहा है बताइए आप सभी लोग एक बार कंफर्म करिए मुझे चलो फिर बहुत अच्छी बात है रोथमैन का नाम यहां पे देखिए जो जु, जुपिट सी रोथमैन का नाम आ रहा फ्रॉम द फ्रंट लाइन दिया हुआ स्टूडेंट केस इन सोशल वर्क एथिक्स दिया हुआ है एथिक्स का मतलब नैतिकता के बारे में बात किया है तो इसकी किताब है हालांकि रोथमैन ये है ठीक है जुलिट सी रोथमैन है ये नहीं होगा ये एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए केस बेस्ड लर्निंग फॉर ग्रुप इंटरवेंशन इन सोशल वर्क की बात हो रही है तो जैकलीन का नाम आ रहा है कोरन 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 का नाम आ रहा है तो ये आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट क्योंकि केस बेस्ड लर्निंग हो रही है यहाँ पर है ना ये हो सकता है पूछा जाए केस बेस्ड लर्निंग में इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्ताक्षेप करना ठीक है हस्ताक्षेप करना ठीक है और अगर हम बात करें टेल्स ऑफ वे वर्ड्स गर्ल्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर आगे अगर हम बात करें तो, तो आकेश्वर अप्रोच के बारे में बात कर रहा है ठीक है और आकेश्वर अप्रोच के बारे में अगर बात आता है तो वैशल और रोसा रिपोर्टर का नाम आप लोग यहाँ पे याद रखेगा रिपोर्टर मैंने अभी आप लोगों को हाल ही में बताया था लीडिया रिपोर्टर रिपोर्टर के बारे में याद है किसी को याद है किसी को लीडिया रिपोर्टर कल सर बताया था हाँ कल मैंने अभी बताया था किससे संबंधित थे वो थे संकट संकट हस्ताक्षेप संकट हस्ताक्षेप अभ्यास से संबंधित थे याद नहीं आ रहा हाँ तो ये बेसिकली जो केशवर्क अप्रोच में आता है ये रोशा वेशल यहाँ पे कई नाम आते हैं इस वजह से ये एग्जामिनर देने की कोशिश नहीं करेगा इसको ठीक है कई नाम आ रहे हैं जहाँ पे यूनिक नाम फेमस होते हैं वो बेसिकली पूछने की पूरी के पूरी चांसेस बनते हैं है ना अथॉरिटी इन सोशल केशवर्क के बारे में बात करें तो रॉबर्ट फॉरन एंड रोस्टोन बेली का नाम आता है अब देखो रॉबर्ट यहाँ पे रोबस्टर्न लिखा हुआ रोबेस्ट बेली एक बात इसके साथ याद ये भी रखना आप लोग कि रॉबर्ट का अगर बेली का नाम आता है तो मूलभूत समाज कार्य के बारे में बात करता है और मूलभूत वही है जहाँ पे रेडिकल सोशल वर्क के बारे में बात होती है आप इसमें थोड़ा सा औबली करके लिख लीजिए और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा ठीक है ये प्रश्न पूछा भी गया है मूलभूत समाज कार्य या रेडिकल सोशल आ, सोशल वर्क है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेली का नाम आता है सोशल अगर हम बात करते हैं सोशल केसवर्क मैनेजमेंट के बारे में तो वाई मिसल्स जे होलस्को का नाम आता है मैनेजमेंट ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दीजिए है ना आगे अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी बताया भी है कि प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ़ सॉरी टेक्निक्स इन सोशल केसवर्क के बारे में तो गार्टन हेमिनटन का नाम आता है रॉबर्ट जो है विल का नाम आता है और यहाँ पे जो है एंटी गैरेट का भी नाम आता है तो ये तीन लोगों का नाम आता है भाई टेक्निक में तो प्रिंसिपल एंड टेक्निक सोशल में अगर आपसे पूछेगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शन में तीनों लोगों का नाम आ चुका है यू में ठीक है ऑप्शन में तीनों लोगों का नाम आ चुका है ठीक है बियोर्ड केस वर्क के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है जेम्स जी बारबर का नाम आता है और ये उन्नीस में किया था ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है हेल्पिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आ, कार्लोट्स टॉवेल्स लिखा हुआ है ऑन सोशल वर्क एंड सोशल केशवर के बारे में बात कर रहा है तो कार्लोट उसके नाम पर ये तो आप ऐसे भी इसके नाम को ही आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर लगा देंगे ठीक है हेल्पिंग वाले में तो ये तो बहुत सरल है है ना इससे जब कभी आपको मिलेगा तो प्रश्न ऐसे में इंग्लिश में देखना कहीं पर कार्लोट लिखा हुआ तो बस तुरंत उससे मैच करा देना उसके नाम से ठीक है तो ये ईजली बन भी जाएगा आप लोगों से ठीक है और भी बात कर लेते हैं कुछ किताबों के बारे में है ना सोल्यूशन बेस्ड वर्क के बारे में बात हो रही है तो सोल्यूशन बेस्ड वर्क में ये नाम नहीं आएगा छोड़ दीजिए इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल एंड केस मैनेजमेंट स्किल इन जो है सोश so, uh, वर्क प्रैक्टिस ये इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दीजिए आगे अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम एंड इशू इन सोशल केश वर्क में तो स्कॉट जो है बैरियर का नाम ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा बैरी जो है बैरियर आप ऐसे कर लीजिए बैरियर बैरियर मतलब फ्री इन्वायरमेंट वाला होना चाहिए ना तो जो इश्यूज होते है, है, हैं प्रॉब्लम्स होती हैं समस्याएं जो आती हैं पर्यावरण में तो वही स्कॉट बैरियर ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं यहाँ पर आपका सही हो जाएगा थर्टी वाले का तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि हो सकता है पूछ ले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोशल केशवर्क आ बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो ये इसमें अगर नाम पूछा जाता है तो मिसल्स एच हो नाम पूछा गया है प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसी का नाम एग्जाम में एक बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन आया हुआ है इससे ठीक है याद करिएगा इसे सभी लोग कि सोशल बिहेवियर अप्रोच के बारे में आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ना? अगर हम बात करें केश केश मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैनेजमेंट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं आता है ना इतना वो चीजें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है ठीक है आप लोग नोट भी कर रहे हैं कि बस सिर्फ देख रहे हैं लेट कर बताइए सर नोट करते जा चलो बहुत अच्छी बात है फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोशल वर्क डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंशन अ गाइड ऑफ स्ट्रेंथ योर केस रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नानसी नानसी साइडल लिखा हुआ है साइडल ये इसका नाम है जहाँ पे डॉक्यूमेंशन के बारे में बात कर रहा होगा ना तो आप इसको थोड़ा सा रखना याद ध्यान में रखना ऑप्शन में मुझे लगता है कि आ जाएगा लेकिन ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है ठीक है मैरी रिचमंड ये हो चुका है आपको पता होगा इसकी किताब का नाम और ये यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर लवरी का नाम ये भी नहीं होगा गार्टन हेमिंटन के बारे में भी पता हो चुका हो आप लोगों का ठीक है ये भी पता है और यहाँ पर अगर हम बात करें कि नील नील देखो यहाँ पर न्योल लिखा हुआ है न्योल न्योल टाइम्स लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ सोशल केशवर के बारे में बात करता है तो ये नाम बेसिकली आया हुआ प्रश्न है कि भाषा सामाजिक व्यक्तिक कार्य के अंतर्गत कोई बात करता है तो न्योल टीम्स का नाम आता है ये आप ध्यान रखिएगा ये आपका सही हो जाएगा एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल केशवर के बारे में ग्रेस मेथ्यू का नाम आएगा ये आप ध्यान रखिएगा आप ये भी इंपॉर्टेंट है आपका ऊपर का ये सैंतीस और अड़तीस दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है।, है ना ये बुक दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है कितनी किताबें हैं यार चलो कराना तो है ही है आप लोगों को है ना याद हो रवाना करवाना है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आप लोगों को भाई क्लास लंबी चल रही है कहीं अगर लगे कि आपको दिक्कत हो रही हो जी ये पीछे चला गया एक मिनट यहीं से था हम लोगों का चलो अगर हम बात करते हैं केस रिकॉर्ड इन सोशल वर्क के बारे में तो अतुल प्रताप सिंह और तनु तनु गिरोटा ये आप थोड़ा सा इससे ध्यान रखिएगा कि नया नाम दिख रहा है अतुल प्रताप करके तो ये आप थोड़ा सा याद रखना किस केस रिकॉर्ड को लेकर बताया था इन्होंने समाज समाजकारी में कैरियर थ्योरी एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज थो आ, केस स्टडी के बारे में बात करता है जाने एल

फिर उसी का केस स्टडी इन सोशल वर्क प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो ग्रेइंग डब्ल्यू जो है ग्रीन ली कर्व का नाम आएगा ये आप इसे ध्यान रखेंगे ठीक है। और सोशल ग्रुप वर्क एंड केस वर्क थ्योरी देखो अब दोनों का थ्योरी एक साथ हो रहा है तो यहां पर मुजावर देखो एक नाम लिख रहा है डॉक्टर वैश्युद्दीन आर मुजावर करके नाम आ रहा है जिसने दोनों के बारे में बात किया है केश वर्क के बारे में बात किया भी ग्रुप वर्क के बारे में बात किया अभ्यास में ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दीजिए इसको ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है इसको आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड बस समाप्त हो गया टेंशन ना ले बाकी तो मैंने किताबों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है, है ना यहाँ पर हाँ ये जो सोशल सोशल वर्क के बारे में एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है ये भी नहीं आएगा इम्पोर्टेंट नहीं है छोड़ दीजिए ठीक है बस अब ये थे आप लोगों के टोटल जो मैंने करवाए हैं कुछ किताबों के नाम थे है ना आप लोगों के लिए जो किताबों के नाम थे मैंने वो करवाए हैं आप लोगों के लिए ठीक है अब मैं आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ कि कुछ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में है ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में घोषित किए गए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने चल रहा हूँ ठीक है तो अच्छा देखो संज्ञानात्मक समाज कार्य के बारे में बात अगर हो अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को जो चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ एग्जाम में जो प्रश्न पूछा था मुझे वही चीज़ें वो चीज़ें याद होती है कॉग्नेटिव uh, लिख लीजिए कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव अगर हम बात करें सोशल वर्क के बारे में तो ये रॉबर्ट सनले का नाम आएगा अगर हम बात करते हैं अस्तित्व परक समाज कार्य के अस्तित्व समाज कार्य का नाम अगर आता है गने तो गने क्या बोला आपने कोग्नेटिव रॉबर्ट सनले रॉबर्ट सनले रॉबर्ट सनले ठीक है रॉबर्ट सनले का नाम आएगा अगर आपसे प्रश्न पूछता अस्तित्व परक गने समाजकार अस्तित्व परक समाजकार पूछेगा तो सो, सोरेन किरकगार्ड इसका नाम एक बार एग्जाम में दो में पूछा भी गया था सोरेन किरकगार्ड ने अस्तित्व परक समाज कार्य के बारे में बताया है चिकित्सा समाज कार्य मेडिकल सोशल वर्क के बारे में किसने बताया है तो मेडिकल सोशल वर्क के बारे में याद रखिएगा सभी लोग गोल्ड स्टीन ने बताया है क्या नाम बताया था उसका मैंने गोल्ड स्टीन ने नाम बताया ये आप ध्यान रखिएगा और फैमिली थेरेपी के बारे में अगर बात होती है फैमिली थेरेपी को लेकर अगर बात तो होती है नहीं फैमिली थेरेपी की बात मैं कर रहा हूँ विल थेरेपी एट ओ रैंक आगे हाँ विल थेरेपी एट रैंक हो जाएगा फैमिली थेरेपी बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एल करमन का नाम आता है या वर्जाइना का नाम आता है या का नाम आता है ठीक है ये नाम आते हैं फैमिली थेरेपी के अंतर्गत ठीक है और अभी मैंने आपको फैमिली थेरेपी में एक जिसको हम बेसिकली अवधारणा विकसित किया है उसका नाम भी बताएंगे अभी नाथन करके नाम उसका आता है ठीक है नाथन फैमिली थे एल केरिन मन केरिन मन Uh, Fish... कोग्नेटिव थेरेपी अल्बर्ट बैंडूरा ने थे दिया है या एरोन आप कह सकते हो एरोन एरोन बेक ने दिया है एरोन बेक ने दिया है फ्री कोग्नेटिव थेरेपी कोग्नेटिव थेरेपी कोग्नेटिव थेरेपी और कोग्नेटिव अलग अलग आ जाए हाँ कोग्नेटिव समाज कार्य रॉबर्ट सनले का है कोग्नेटिव थेरेपी जो है अल्बर्ट बैंडूरा और एरोन टी बेक का है ठीक है ठीक है, बताइए चले आगे एल्बर्ट बैंडूरा और सर, एल्बर्ट बैंडूरा और एक नाम आता है आपका एरेन बेक बेक, अरोन बेक बेक ठीक है अगर अगर आगे हम बात करते हैं तो एक नाम आता है फ्री विल फ्री विल, फ्री विल फ्री विल फ्री विल फ्री विल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फेडरिक नित्से का नाम आता है फेडरिक नित्से, फ्रेडरिक नित्से का नाम आता है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं अगर हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं ऑथर डनहम का नाम आता है ऑथर डनहम का नाम आता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो मुर्रेजी रॉस का नाम आता है मुर्रेजी रॉस का नाम आ, याद आता है अभी आप लोग दोबारा से इस वीडियो को देख भी लेना अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो एक्टिविया हिल का नाम आता है सेमुअल बर्नेल का भी नाम आता है ठीक है सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात अगर हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सॉरी कोगनेटिव नहीं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा था मैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा था वो एक्टिविया हिल का नाम आता है सेमुअल बर्नेल का नाम आता है सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग तो एम एस गोरे का नाम आता है बहुत इंपॉर्टेंट है एम एस गोरे एम एस गोरे बहुत इंपॉर्टेंट है यह आप लोग ध्यान रखिएगा गोरे जो है सोशल डेवलपमेंट में आता है ठीक है अगर हम बात करते हैं सोशल मोमेंट के बारे में तो एन एस ए रॉ का नाम आता है सोशल मोमेंट के बारे में ठीक है सोशल मोमेंट के बारे में ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो मैक्स बेबर का नाम आता है नौकरशाही वो तो पता होगा आपको क्यों लिख रहा है उसको मत लिखो पोस्कार्ब के बारे में अगर आता है तो लूथर गुलिक का नाम आता है ये तो पता है आपको मत लिखो ठीक है मत लिखो इसे भी क्लियर हुआ अगर हम बात करते हैं टास्क टास्क सेंट्रल मॉडल को लेकर टास्क सेंट्रल मॉडल को लेकर बात करते हैं तो विलियम रीड का नाम आता है और विलियम लोरा का नाम आता है ठीक है लोरा का नाम विलियम और क्या बोले भी आता है ना सर किसमें

और जब क्लाइंट सेंट्रल होता है तो वो काल मा, उसका नाम आता है काल रोजर्स का नाम हाँ, काल रोजर्स का नाम आता है लोरा, लोरा, लोरा. लोरा का नाम आता है अगर प्रत्याशित सिद्धांत के बारे में बात करते हैं अभी मैंने कल बताया था ना एक्सपेक्ट एक्सपेक्टरी थ्योरी ब्रूम का नाम विक्टर ब्रूम कल बताया था आप लोगों को पार्टिसिपेशन थ्योरी की बात होती है तो यक्स थ्योरी और वाई थ्योरी कल याद करवाया था आप लोगों को ना डगलस मैक का नाम आता है मैक गलर का नाम आता है वही डगलस मैक जड थ्योरी के बारे में बात होती तो उर्विक का नाम आता है, है ना कल पढ़ाया था ना आप लोगों को याद आ रहा है नहीं आ आँगा। 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 उर्विक उर्विक में क्या बताया आपने उर्विक का जड थ्योरी, जड थ्योरी, जड थ्योरी, जड़ थ्योरी, ठीक है चलो बहुत बढ़िया है, इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद हो गया आ, इलेक्ट्रिक अप्रोच के बारे में बात करता है तो एफ एफ होलिस का नाम आता है इलेक्ट्रिक अप्रोच ठीक है इसी ने साइको सोशल थ्योरी भी दिया था साइको सोशल थ्योरी ने भी दिया था इसी ने एफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के बारे में बात होती है तो एच एच देता है एच एच देता है ठीक है याद रखना ये सारी की सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं अगर ईगो साइ, तो हाँ इलेक्ट्रिक अप्रोच एफ होलिस का नाम आता है एफ होलिस का अगर साइकोलॉजी पूछता है अहम मनोविज्ञान पूछता है और दोबारा से बोल रहा हूं म्यूट हो जाइए सुनिए एक बार एक होता है ईगो साइकोलॉजी एक होता है एनालिटिक प्ले थेरेपी ये अगर इसकी बात होगी तो अन्ना फ्रायड का नाम आएगा अन्ना फ्रायड का नाम आएगा प्ले थे, थेरेपी की बात हो गई होती है तो और अगर ईगो साइकोलॉजी की बात होती है तो ठीक है याद रखिएगा थोड़ा सा अगर हम बात करें बेसिक एनजाइटी का मतलब होता है बेसिक चिंता के बारे में कोई बात किया है तो उसका नाम है कार्ड होर्नी कार्ड हॉर्नी ये बेसिकली बात करता है वहां पर ठीक है अगर आपसे पूछता है लुकिंग ग्लास सेल्फ या सोशल प्रोसेस के बारे में पूछता है सर, सर प्लीज एक बार रिपीट कर लुकिंग एंजाइटी क्या चीज बेसिक एंजाइटी उसका नाम आता है कॉड होरी का नाम कॉड हॉर्नी का नाम हॉर्नी कॉड हॉर्नी का नाम और अगर अगर आपसे एग्जाम में ए, क्या मैं बोल रहा था इसके बाद क्या बोला था हाँ हाँ लुकिंग ग्लास सेल्फ सोशल प्रोसेस और कॉन्सेप्ट प्राइमरी प्राइमरी ग्रुप अगर आता है तो आप लगाएंगे सीएच कूले का नाम सीएच कूले का नाम लगाएंगे ट्रांस एनालिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए इसको ट्रांस इसको ए, ल, इस बार आएगा ट्रांस ट्रांस एक्शनल एनालिस अभी तो बताया अभी तो बता दिया इसके बारे में साथ एरिक बेन के बारे में हाँ एरिन बेन अगर बात करता है आप लोगों से निजाति विज्ञान का चिकित्सा निर्जातीय विज्ञान चिकित्सा काल रोजर्स का नाम काल रोजर्स का नाम लिख लीजिए निर्जातीय विज्ञान का चिकित्सा काल रोजर्स का नाम लिख लिया हाँ बस इतना आप ध्यान रखिएगा बस इतना ही पढ़िए आगे नहीं फ्री एसोसिएशन कौन बताएगा मुझे फ्री एसोसिएशन फ्री एसोसिएशन कौन बताएगा मुक्त संघ का है ना हां कौन बता रहा है फ्राइड का है ना सर हां फ्राइड ऐसे तेज बोलो कैसे फ्राइट बोल फ्राइट रही है हां फ्राइड शाबाश अब थोड़ा सा हम वर्ष के बारे में बात करते हैं सर सर एक क्वेश्चन है एक डाउट है सर मेरा पूछो जब अधिगम और थेरेपी तो दोनों अलग अलग चीज हैं ना हाँ गेस्टाल्ट राइटर, राइटर तो गेस्टाल अगर हम बात करते हैं गेस्टाल्ट अधिगम के लिए तो मैक्स वर्धिमन का नाम आता है और थेरेपी की बात करेंगे तो एक नाम आता है जो है लियरल एफ एफ पियर करके गुड मैन पी गुडमैन आप लिख लीजिए केवल पी गुडमैन या एफ पियर या पीयर कर सकते हैं आप ठीक है ये आप नाम लिख लीजिए गेस्टाल्ट थेरेपी में ठीक है क्लियर हो गया आप और गेस्टाल्ट लर्निंग जो है आपकी वो आपका आता है मैक्स मर्दिमान नोट कर लीजिए हो गया जी सर हुँ. अच्छा एक... भी भी आएगा ना बिहेवियर बिहेवियर में आएगा वो बिहेवियर में आएगा

मैक्स का नाम आएगा, उसी का ही नाम आएगा ठीक है ठीक है अच्छा एक ये हो गया कंप्लीट, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के बारे में ये जो कैमेडिलिड्स कैमलिड्स का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष देख रहे हैं ये आपका नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में ना ही आर्टिस मत्सर का भी पूछा जाएगा ठीक है ये इसको छोड़ दीजिए मैंने अलग रख लिया है इसको यहाँ पे ये देखिए आप देख रहे हैं दो 2021 को कहा गया है कि सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसे ही बोला गया है फलों का सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और इसे ही 2021 को कहा गया है बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तो बाल श्रम के लिए भी बताऊंगा और भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में लेकिन ध्यान रखिएगा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा वो दो घोषित किया गया है ऑप्शन आपका ये वाला फिर सही हो जाएगा तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आगे बात करते हैं यहाँ अगर हम बात करते हैं 2020 का ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसे छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आपका 2019 आता है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसे छोड़ दीजिए ठीक है आगे अगर हम बात करते हैं विकास एवं सतत पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो 2017 है विकास और सतत पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दो है इसे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा दलहन इम्पोर्टेंट नहीं है दो है ये आपका और उसके बाद लाइट एवं लाइट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है दो हज़ार पंद्रह है ये ठीक है इसे छोड़ दीजिए आगे अगर हम बात करते हैं पारिवारिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसे छोड़ दीजिए आप ठीक है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में आगे अगर हम बात करते हैं सहकारी समिति और अंतरराष्ट्रीय सभी के लिए सतत ऊर्जा का भी दो हज़ार बारह है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये और आगे अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है दो हज़ार तेरह भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही मैं आपको बताऊंगा ठीक है भाई अंतरराष्ट्रीय वन के बारे में याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया जाता है या युवाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है तो यह आपका हो जाएगा 2011 आपका करेक्ट जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय वर्ष वन वर्ष जो घोषित किया गया है 2011 को माना जाता है और युवाओं का जो अंतरराष्ट्रीय माना जाता है वो दो हजार माना जाता है ये इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट कर लीजिएगा ठीक है इसको आप नोट कर लीजिएगा आगे अगर हम बात करते हैं युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 को भी माना जाता है लेकिन आप 2011 ही लगाएंगे वही सही रहेगा ठीक है आप सबके लिए जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अगर कभी पूछा जाए हालांकि पार्ट ए का प्रश्न बन सकता है ये आप लोगों के लिए तो आप 2010 लगा देना म्यूट हो जाइए किसी के यहाँ से बैकग्राउंड बहुत आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है है ना दो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आगे अगर हम बात करते हैं तो दो का तो यहाँ आपका कोई भी सही नहीं होगा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ये है ना इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए और यहां पे देखिए स्वच्छता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्वच्छता और भाषा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष इन दोनों का तो आप इसे 2008 को सही मारेंगे 2008 को सही लगाएंगे तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा नोट कर लीजिएगा कॉपी पर अपने मेंशन कर लीजिएगा आगे अगर हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ध्रुवी इंपॉर्टेंट नहीं है मरुस्थल को लेकर इंपॉर्टेंट नहीं है माइक्रो क्रेडिट्स को लेकर भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये ठीक है आगे बात करते हैं और दो हज़ार उसके बाद चार की बात करते हैं चावल ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है और फिर मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है छोड़िए ठीक है दो हजार दो भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर दो हज़ार एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है है ना और यहाँ पर अब हम बात करेंगे यहाँ से आप लोगों का एक आपका इम्पोर्टेंट है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे इसे आप नोट कर लीजिएगा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपके लिए परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसी को मनाया जाता है खेल और ओलंपिक आदर्श का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तो इस स्लाइड में दो पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए उन्नीस सौ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है और परिवारों के लिए जो माना जाता है वो उन्नीस माना जाता है इसे आप ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट था दोनों के दोनों पॉइंट आगे अगर हम बात करते हैं कि विश्व में स्वदेशी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दीजिए अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष जो है उन्नीस सौ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है बाकी यहाँ पर जो है बेघरों के लिए छोड़ दीजिए शांति के लिए भी छोड़ दीजिए इसे युवा वर्ष के देखो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष जहाँ पे भागीदारी विकास सतत का बात हो रही है उन्नीस होता है लेकिन छोड़ दीजिए इसे संचार को भी छोड़ दीजिए यहाँ पर लग रहा है कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका केवल इस स्लाइड में एक इस्ट है और वो है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब मनाया मना उन्नीस सौ इक्यासी मनाया जाता है आप लोगों ने शायद इसके बारे में देखा भी होगा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट वही सारी चीजें बता रहा हूँ बाकी फालतू तो चीजें नहीं बता रहा हूँ प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा है बताइए जरा एक बार बोलिए ये देखा है हाँ देखा है आगे अगर हम बात करें तो बच्चे का ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है इसको आप स्टार मारिएगा बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है बाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो मनाया जाता है वो 1979 हो जाएगा रंग विरोध में ये आपका गलत हो जाएगा ये 1975 सेवेंटी फाइव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे अगर हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या वर्ष के रूप में अगर कोई मनाया जाता है तो उन्नीस मनाया जाता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है आप सबके लिए तो इसका भी आप लोग स्टार लगाइएगा ये भी स्टार लगाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष उन्नीस सौ पचहत्तर हो जाएगा विश्व जनसंख्या वर्ष उन्नीस सौ चौहत्तर हो जाएगा नक्सलवादी ये गलत है ये नहीं पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष तो हालांकि पूछा तो नहीं गया है मुझे लग रहा है एजुकेशन आजकल बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर चरमोत्कर्ष पर है यानी एक प्रकार से सर्वांगीण विकास हो रहा था इस प्रकार से हमसे कह सकते हैं उन्नीस सौ सत्तर हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए तो उन्नीस सौ सत्तर आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा है ना उन्नीस सौ सत्तर आगे बात करते हैं मानवाधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है उन्नीस सौ अड़सठ मनाया जाता है मानवाधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये इंपॉर्टेंट है आप लोग इसे ध्यान रखिएगा पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से सहयोगी नहीं पूछा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान वर्ष के रूप में भी नहीं पूछा जाएगा विश्व शरणार्थी बच्चे जो होंगे ये पूछा जाता है आप लोग इसे ध्यान रखिएगा विश्व शरणार्थी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो मनाया जाता है वो उन्नीस सौ उनसठ हो जाएगा ठीक है बस क्लियर हो गया इतनी सारी बातें तो यहां आपका वो टॉपिक हो गया समाप्त अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जीनोग्राम के बारे में ठीक है क्लियर हो गया एक बार जाना मुझे कंफर्म करिए आप सभी लोग yes, हाँ सर चलो बहुत बढ़िया है आप लोगों से अब हम बात करने चल रहे हैं जीनोग्राम के बारे में तो इच्छा जितनी चीजें मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ ये सारे के सारे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना इसको रख लेना कहीं अच्छी जगह जहां आप एग्जाम जाने से पहले इसको बार बार देखना भी ताकि आपको वो चीजें रिकॉल भी होती रहे मैंने क्या क्या चीजें बताया है इम्पोर्टेंट है ना ठीक है और नोट भी कर अपलोड भी कर दे हाँ वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आगे अगर हम बात करते हैं जीनोग्राम के बारे में तो जीनोग्राम जो होता है मैक जो है मैक गोल्ड्रिक गर्शन के द्वारा दिया गया है जीनोग्राम पहला सवाल बनता है ये जीनोग्राम बेसिकली जीनोग्राम का जो हम प्रयोग करते हैं जानते हैं किस लिए करते हैं कोई बता सकता हूं मुझे जीनोग्राम का हम प्रयोग किस लिए करते हैं हम जीनोग्राम का जो प्रयोग करते हैं वो फैमिली थेरेपी के लिए करते हैं जब हम किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए केस हिस्ट्री लेना है हमें तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन पर हम क्या करते हैं जीनोग्राम का प्रयोग करते हैं और जीनोग्राम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या चीज़ें हैं क्या समस्याएं हैं क्या समस्याएं नहीं हैं ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो जब एक जीनोग्राम किसी व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों और उसकी चिकित्सा इतिहास को हम एक प्रकार से जब सचित चित्रिक के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं तो वांसानुक्रम के माध्यम से बताते हैं तो हम जेनोग्राम का प्रयोग करते हैं और ये तीन पीढ़ियों का प्रयोग करते हैं इसमें कितनी पीढ़ी का प्रयोग करते हैं तीन पीढ़ी का प्रयोग करते हैं ध्यान रखिएगा ये भी और ये बेसिकली जब सोशल वर्कर इसका यूज करता है तो ये वंशानुगत पैटर्न का फॉलो करता है किसको पैटर्न का फॉलो करता है वानसन हुआ तो पैटर्न का फॉलो करता है ठीक है ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी जेनोग्राम में जेनोग्राम बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 1970 के दशक में जो है एक सबसे पहले उस समय जो है मरे बोबेन के द्वारा आ गई थी अवधारणा जो है विकसित कर दी गई थी मॉडल के रूप में मरे बोबेन का नाम आता है उन्नीस में जेनोग्राम को लेकर फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिनका नाम हम लोग अभी देख रहे थे मैक गोल्ड्रिक का नाम और रैंडी गार्शन का नाम देख रहे थे सन उन्नीस में जोनोग्राम्स को लेकर एक किताब लिखा था वो किताब का नाम था असेसमेंट एंड इंटरवेंशन असेसमेंट का मतलब होता है आकलन और इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्ताक्षेप तो उस समय में इसका प्रयोग करते थे जोनोग्राम में है ना तो उसमें हम बेसिकली जैसे मनोरोग मनोविज्ञान समाज कार्य और अनुवांशिक शोध या शिक्षा बहुत बहुत सारी ऐसी क्रियाविधि हैं जहाँ पर हम इसको प्रयोग में लाते हैं पारिवारिक चिकित्सा के रूप में तो ये जो थेरेपिस्ट होता है सोशल वर्कर थेरेपिस्ट होने के नाते वो जेनोग्राम का प्रयोग करता है कैसे करता है मैं आपको बताता हूं अभी पारिवारिक संबंध बताया जाता है पहली बार तो सिंबल के द्वारा भी देखते हैं हाँ हाँ सिंबल के बारे में अभी आने वाला है सिंबल भी ठीक है अभी सिंबल भी आने वाला है आप टेंशन ना ले तो इसमें जो बेसिकली होता है ये जो यूज़ किया जाता है जेनोग्राम इसके कई कई इसके टाइप बन जाते हैं कई इसके पार्ट बनते हैं जैसे पारिवारिक संबंध के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम बात करें भावनात्मक संबंध में इसको यूज़ कर सकते हैं सामाजिक रिश्ते को याद कर सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा ये सभी सभी सामाजिक रिश्ते को लेकर हम इसका बेसिकली यूज़ कर सकते हैं इसका उद्देश्य जो होता है वंशानु वंशानुग्र क्रम को बताना एक प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करना ठीक है और नागरिक शास्त्र समाज कार्य और परिवार चिकित्सा धर्म अनुसंधान शिक्षा इत्यादि जगहों पर भी इसको हम यूज़ में लाते हैं जेनोग्राम को है ना तो जेनोग्राम जो बनाना होता है लगभग बेसिकली सामाजिक कार्य जब करते हैं जब हम लोग उस उसके साथ तो उसके जो भी व्यवहार होते हैं और उसकी जो समस्याएं होती हैं वो जेनोग्राम के माध्यम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या कोड के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं कोडिंग के माध्यम से इसको रिश्ते वगैरह को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते रहते हैं अगर अब हम आप लोगों से अगर बात करें जेनोग्राम के बारे में तो अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा है ना बताइए जरा एक बार जेनोग्राम में इस तरीके से बनाते हैं ये जो सिंबल है ये सिंबल जो है मेल का होता है ये सिंबल जो होता है फीमेल का होता है सिंबल है ना समझ रहे हैं नहीं मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग बताइए जरा एक एक बार सभी एक बार सभी लोग स्पष्ट करें आप मुझे आ रहा है बहुत बढ़िया तो ऐसे में जब हम जेनोग्राम का यूज करते हैं तो एक इस माध्यम से यूज करते हैं कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है कि एक बार पूछा था कि बताइए महिला कौन सा और जो है पुरुष कौन सी थी एक तरफ सिंबल बना दिया गया था है ना एक तरफ सिंबल बना दिया गया था और आप लोगों से मैंने प्रश्न करवाया है आप लोगों ने देखा भी है ये बेसिकली याद रखें जो थेरेपिस्ट लोग हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से मेडिकल थेरेपिस्ट वाले जितने लोग हैं वो लोग भी इसका यूज़ करते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं ठीक है जेनोग्राम का तो ये चीज़ आप लोग खास इसका ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में ये देखो मेल हो गया फीमेल हो गया अगर इस तरीके का हमने डांट दे दिया तो ये अंडर जेंडर अननोन के बारे में बात करते हैं जेंडर अननोन के बारे में बात करते हैं है ना ये चीजें रिप्रेजेंट करते हैं हम और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये पेट पेट माने जानते होंगे आप सभी लोग पेट को पता है कि पेट को क्या बोलते हैं कोई बताना चाहेगा पालतू क्या बोलते हैं बताए जरा मुझे एक बार कोई पेट के मतलब क्या होगा पालतू पालतू होता है हाँ तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों को ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है है ना और आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है अडोप्टेड चाइल्ड इस तरीके के सिंबल बनाएंगे और यहाँ पर देखिए जो डॉट बना रहे हैं आप लोग इस डॉट में आप बना रहे हैं इस तरीके का सिंबल स्क्वायर में यहाँ पर आप जो बना रहे हैं इस तरीके का सिंबल बना रहे हैं ठीक है चतुर्भुज इसको बोलते हैं हम लोग है ना तो चतुर्भुज में पेट आ जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा तो एडोप्ट चाइल्ड हो जाएगा और इस तरीके जा हो जाएगा, पोस्टर चाइल्ड पोस्टर का मतलब क्या कोई बताना चाहेगा मुझे, पोस्टर चाइल्ड पोस्टर चाइल्ड मीन बताइए तो दिया, ये रह गया हाँ बोलिए क्या करें आप बताइए तो हाँ, अब यहाँ पर पोस्टर चल जो पाले तो जा रहे हैं लेकिन उनकी बीमारी और विकृति से पीड़ित वो बच्चा है किसी बीमारी और हमने लिया है तो इस तरीके से क्या करते हैं इसको बताने है, बताते हैं इस तरीके से ठीक है याद रखियेगा इससे पोस्टर बोलते हैं ये प्रेगनेंसी है ये आपको इस तरीके से डोनेट जेंडर जेंडर अन मतलब क्या इसमें तो इसमें सर ट्रांसजेंडर आ जाएगा क्या नहीं जेंडर अननोन है हमें ट्रांसजेंडर हाँ एक प्रकार से आप कह सकते हैं जब जेंडर पता नहीं है या तो पता नहीं वो ट्रांसजेंडर है मेल फीमेल आप उसको रख सकते हैं ट्रांसजेंडर में ऐसे भी मान सकते हैं ट्रांसजेंडर में भी उसको है ना ठीक ये तो चीज़ें आप एडोप्टेड चाइल्ड और पोस्टर चाइल्ड में क्या डिफरेंस है इनके सिम्बल में ये अब जो एडोप्ट चाइल्ड होगा इसमें बेसिकली वो हेल्थी बच्चा होगा इसमें हमने मतलब कहीं से अडोप्ट किया है और वो बच्चा स्वस्थ है कोई बीमार है जो मतलब उसको पढ़ाने का दिव्या मतलब कोई दिव्यांग व्यक्ति है और वो ऑटिज्म से ग्रसित है या किसी और बीमारी से ग्रसित है वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो हमने उसको फीस वगैरह उस क्या करना है उसको दे देनी है हमने उसको एडोप्ट कर लिया उसकी पूरी देख सब कुछ मुझे करना होगा अब ठीक है ये पोस्टर चाइल्ड हो जाता है सब कुछ मैं करूंगा उसके बारे में पूरी चीज़ें मैंने उसको कर लिया तो वो पोस्टर चाइल्ड हो जाता है यूज कैसे करते हैं हूँ आप अभी बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ यूज़ कैसे करेंगे अभी बता रहा हूँ ठीक है फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मिस कैरेज का आएगा फिर ये अबॉर्शन का आ जाएगा ये सिंबल आप ध्यान रखेंगे ये सिम्बल कैसे कैसे बनाया जा रहे हैं आप कहो तो मैं जोम भी कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे बीच में क्रॉस बनाया गया यानी इसका मतलब डेथ हो गई है इसकी और सर्कल में अगर आप इस तरीके से बना दें तो इसका मतलब ये डेथ हो गई है इसका है ना ट्विंस मतलब जुड़वा आप सभी को जानते हैं यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस हो जाते हैं यहाँ पर इस तरीके के सिंबल बनते हैं और भी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सोशल वर्क में पूछा जाता है तो कहीं डाइवोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे डाइवोर्स दिखाओ जरा मुझे ना नहीं लिखा हुआ है ना तो बेसिकली आप डाइवोर्स का जो है सबसे ज़्यादा उसका ध्यान रखेंगे है ना वो बेसिकली बनाया जाता है ये भी एक सिंबल है आपको मैं दे दूंगा इसकी पी जो है पढ़ लेना ये देख लेना ये इमोशनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है इमोशनल रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे देखो लव तो लव को इस तरीके से डिनोट किया जाएगा ठीक है इन लव इस तरीके से डिनोट किया जाएगा ठीक है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो फैन को जैसे फैन मतलब वो फैन समझ रहे फ़ैन वो वाले पंखा वाला नहीं ठीक है इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे फोकस ऑन इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से अब अगर कोई गाली वगैरह असामाजिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है इस तरीके से डिनोट करेंगे हम लोग है ना तो ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं है ना अभी आपको ये पी दे, दे दूंगा आप इसे देख लेना अभी इसको बनाते कैसे मैं बता रहा हूँ ठीक है देखो अब आपको क्या करना होता है डाइवोर्स अच्छा देखो यहाँ पे दिया हुआ है डाइवोर्स कहाँ पे है यहाँ मैंने दी नहीं है यहाँ पे डाइवोर्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ देखो ये है ये डाइवोर्स हो गया ठीक है ये डाइवोर्स होता है अच्छा देखो इसको डि डिनोट कैसे करेंगे आप चले गए किसी के घर ठीक है ना तो आपने क्या देखा कि एक बच्चा ये बच्चा है आपका ये बच्चा कितने साल का है सोलह साल का है ठीक है तो इसके कितने भाई बहन हैं तो इसके भाई बहन को बनाना होगा तो आपको इसके बगल में बनाएंगे ठीक है इसके भाई बहन को इसके बगल में बनाएंगे इसकी माता और पिता को बनाना होगा तो आप इसके ऊपर बनाएंगे ठीक है इस तरीके से अगर इसके माता पिता में अगर हम बात करें इनके इन इनके जो है दो भाई हैं ठीक है तो इनके बगल में बनाएंगे इनके भाई को ठीक है इनके भाई हैं ये और अगर फीमेल है उनके अगर भाई बहन है तो हम इनके बगल में बनाएंगे इनके बगल में बनाएंगे और फिर उसके बाद इनके माता पिता को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इनके माता पिता को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर ठीक है तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये बीमारी आई का अगर मान लीजिए इसके इसके माता पिता फिर इनके माता पिता होंगे और इनके जो माता पिता होंगे उनका एक बच्चा था जो उस बच्चे में क्या था एक प्रकार की हमें देखने को मिली थी डिसेबिलिटी या कोई दिव्यांगता या कोई बीमारी ऐसा और वही बीमारी अब अनुवांशिक थी क्योंकि बीमारी आप सभी लोग जानते हैं अनुवांशिक होती भी है तो इस जनरेशन में नहीं हुई थी इस जनरेशन में नहीं हुआ इस महिला को लेकिन इस महिला के जो बच्चा ये वाला था सोलह साल का इस जनरेशन में हो गया तो कभी कभी सोशल वर्कर क्या करता है कि आइडिया लगा लेता है कि भाई ये जन जो है बीमारी जन्म है इस वजह से इस बीमारी में ये बीमारी देखने को हमें मिली है यह आइडिया लगा लेता है आइडिया लगा लेना क्या इस तरीके से जनोग्राम के माध्यम से वो बता देता है ये चीज़ें बेसिकली होती है ठीक है तो ऐसे आपको इसको ध्यान रखना होगा

फिर इसके जो बच्चे होंगे यहाँ पर आप डिनोट करेंगे इसके बच्चे जो होंगे यहाँ पर डिनोट करेंगे इसके बच्चे को ठीक है यहाँ पर आप बनाएंगे इसके बच्चे को जो इस महिला से डिवोर्स हो गया जब दूसरी शादी किया तो उसके बच्चे ये रहे ठीक है इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे ठीक है ये चीज़ है और जो विक्टिम है जैसे जो विक्टिम आपका होगा जैसे विक्टिम ये है मान लीजिए विक्टिम मतलब जो केस है आपका उसको आप डार्क बनाओगे इस तरीके से इस तरीके से आप उसे डॉर्क कर दोगे ताकि समझ में आए कि यही व्यक्ति है इसको डॉर्क कर दोगे आप डार्क बना दोगे ठीक है एक्सपायर कर गया है तो आपको पता है मैंने बता दिया है इस तरीके से भी कहीं कहीं ऐसे भी क्रॉस कर दिया जाता है उसको समझ लिया जाता है ये एक्सपायर हो गया है ठीक है अगर किसी चीज से वो प्रभावित है किसी बीमारी वगैरह से प्रभावित है तो आप या तो इससे स्टैंडिंग लाइन खींच लीजिए या तो इसे स्लिपिंग लाइन खींच लीजिए केवल एक या तो स्टैंडिंग या तो स्लिपिंग दोनों से डिनोट कर सकते हैं आप या तो स्टैंडिंग से खींच लीजिए या तो आप उसको स्लिपिंग लाइन से खींच दीजिए इससे हम समझ जाएंगे कि व्यक्ति बीमार है ठीक है ऐसे हम समझ जाते हैं इसको अगर वो व्यक्ति कोई ड्रग वगैरह ले रहा है ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो उसको हम डिनोट भी कर सकते हैं यहाँ से हाफ कर दिया ड्रग्स ले रहा है एल्कोहल वगैरह का प्रयोग कर रहा है अबिजन प्रॉब्लम्स है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ठीक है चाहे महिला हो चाहे फिम्बो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं ड्रग्स वगैरह बेसिकली ज़्यादा केस मिलते हैं ये चीज़ें होती है समझ में आ गया जिनोग्राम ये ऐसे ही डिनोट किया जाता है इसको जीनोग्राम को बताइए जरा एक बार हाँ ये होता है जीनोग्राम ठीक है चलो तो ये आज आपकी जो क्लास हुई यहाँ पे समाप्त हो गई और अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैंने जो बनाया हुआ है आप अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखो यहाँ पे मैरिज हो रहा है तो मैरिज को हम इस तरीके से डिनोट करते थे है ना फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लड रिलेशन ज़्यादा उससे हट के नहीं है ब्लड रिलेशन से ये बस थोड़ा सा यहाँ पे वहाँ पर ये नहीं बताया जाता था कि हम डिनोट कैसे करेंगे किसको क्या बस अतः अब यहाँ पे जिनोग्राम में क्या बताना पड़ता है हमें डिनोट करना बताना पड़ता है किसको कैसे डिनोट करेंगे बस यही आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर ठीक है बाकी वही सिमिलर वाला यूज़ करते हैं तीन पीढ़ी तक वहाँ पर भी जाते हैं है ना बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई है है ना अच्छा कहीं कहीं पे डबल भी क्रॉस मार देते हैं तब भी हम लोग समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो गया डिवोर्स हो गया है इसका इनका डिवोर्स हो गया है है ना ठीक है और अगर मान लीजिए लड़का अगर जो उसका बच्चा था अगर पुरुष के पास है तो उसके पुरुष के साइड में बनाएंगे अगर मान लीजिए वो लड़का किसके घर रह रहा है महिला के घर में रह रहा तो वो महिला की तरफ बनाएंगे आप यहाँ पे महिला की तरफ बनाएंगे ठीक है अगर वो घर किसके रह रहा है किसके साथ आपने देखा होगा रिश्ते एक मूवी थी केस वगैरह होता है बच्चों के लेकर भी होता है कि नहीं होता है तो आप इस तरीके से डिनोट करेंगे तो इस तरीके से यह आपका हो गया आपका कंप्लीट ठीक है भाई चलिए कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए